जी नमस्कार भाई सभी साथियों को स्वागत है क्लास में एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म कर दो सबको ऑडियो वीडियो आ रही है क्लियर भाई जो भी साथी कनेक्टेड है एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म करो आ, कोई दिक्कत नहीं लू आप लोगों ने काफी टाइम से वेट किया है ना दो बजे से शायद आप लोग वेट कर रहे हैं क्वेश्चन डिस्कस discuss करेंगे ठीक है है ना तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। एक बार सभी आ जाओ और मुझे फटाफट से कमेंट करके बताओ कि सब कुछ परफेक्ट आ रहा है क्या सेशन को शेयर जरूर कर देना है ना मैं भी एक बार शेयर कर सेशन क्योंकि बच्चे काफी टाइम से वेट कर रहे थे कोई दिक्कत नहीं बस रेस्ट कर लेता लेकिन अभी पता दिक्कत क्या है कि चंडीगढ़ एन टी टी वाले बच्चे हाँ एमसी क्यू करवाऊंगा नीलू है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। दीजिए है ना एक मिनट और दीजिए मैं एक बार शेयर कर सेशन को आप लोग प्लीज जिस भी ग्रुप में है एक बार सेशन को शेयर कर देना सभी गुड इवनिंग भाई सभी को गुड इवनिंग अच्छा नीलू आगरा से हैं क्या आप नीलू आगरा से हैं आप आपका भी एंटिटी ही है नीलू चलिए भाई तो गुड लक बोलेंगे कल है ना कल बोलते हैं चलिए भाई बहुत बढ़िया ठीक है चलिए स्टार्ट कर रहे हैं फिर है ना स्टार्ट कर रहे हैं जितने भी क्वेश्चंस हो पाएंगे डिस्कस करेंगे तो बेसिकली uh, जो क्वेश्चंस आएंगे आपका जो एक टॉपिक है सिलेबस में इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन है ना या कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट करके है ठीक है तो ये क्वेश्चन मिलनी वहां से रहेंगे चलिए भाई फटाफट से स्टार्ट करेंगे इंटरनेट और कम्युनिकेशन के क्वेश्चन हैं ये थ्योरी मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखी है ना इसकी जो थ्योरी है थ्योरी मैंने आपको पहले से करवा रखी है बस आप लोग सभी साथी क्या करें फटाफट से सेशन को क्या करते हैं भाई शेयर करते रहिएगा ठीक है, है? चलिए ऑलरेडी हम डिले हैं फटाफट से बिना किसी तरीके स्टार्ट करेंगे और एक और चीज बता देता हूं कल है ना कल आपको आ, एक वीडियो मिलेगा किसका लैंग्वेज का ठीक है एक वीडियो मिलेगा लैंग्वेज का एक वीडियो मिलेगा शॉर्ट कीज का ठीक है और शॉर्ट ज का हो गया लैंग्वेज का हो गया एक और था एक और है कुछ उसमें ना कुछ मतलब वन लाइनर की फॉर्म में है वन लाइनर की फॉर्म में है ये मैं आपको ना रिकॉर्डेड दूंगा ये मैं आपको रिकॉर्डेड दूंगा एंटिटी वाले बच्चों जो हैं तो एग्जाम से पहले जरूर देख के जाना है उसको ठीक है लैंग्वेज वाला कल मिल जाएगा केवल पांच से दस मिनट में पूरी लैंग्वेज खत्म ठीक है मेन मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे उसके बाद शॉर्ट कीज हैं ठीक है थीके? सारी शॉर्ट कीज रख ली है उसमें कल ये वीडियो आपको मिल जाएगा अभी फटाफट से इसका आंसर कर देंगे जो निम्नगित है इसका किस इसका जो संक्षिप्त रूप है मतलब शॉर्ट फॉर्म क्या है ठीक है बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और ये मैंने सारे करवा रखे हैं ना अब थ्योरी जब कर लोगे तो थ्योरी करने के बाद आपको क्वेश्चन का आंसर देना बड़ा मजा आएगा ठीक है तो सिंपल सी बात है डब्ल्यू क्या है ठीक है डब्ल्यू क्या है सबका आंसर एकदम परफेक्ट आ रहा भाई वर्ल्ड वाइड वेव है ना जो लोग डी के साथ जा रहे हैं सभी परफेक्ट हैं सभी परफेक्ट हैं फटाफट से आएंगे क्वेश्चन नंबर टू की तरफ चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन इंटरनेट को परिभाषित करता है इंटरनेट को कौन सा जो कथन है स्टेटमेंट है वो परिभाषित कर रहा है आपकी नजर में इंटरनेट क्या है आपकी नज़र में इंटरनेट क्या है एक हार्डवेयर नेटवर्किंग तकनीक है वर्ल्ड वाइड वेव है एक नेटवर्क से जुड़े हुए सभी कंप्यूटरों का समूह है या फिर इसमें से कोई नहीं बहुत अच्छे से मैंने मैंने समझाया था था ये ये जब मैं इंटरनेट पढ़वा रहा था, तो इंटरनेट रहा तो की स्टार्टिंग में ये वाली बात बताई थी कि वॉट इज इंटरनेट मैंने जोर भी दिया था वहां पर एम्पेसाइज किया था कि वॉट इज इंटरनेट ठीक है चलिए तो एक बार से सभी साथ ही आंसर करेंगे राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कोई डी बता रहे हैं कोई सी बता रहे हैं भाई ऐसी गलती मत करो है ना एक तरीके से क्या एक नेटवर्क से नेटवर्क है भाई उससे जुड़े हुए जितने भी कंप्यूटरों का समूह है वहां पे क्या दे रखा था वहां पे जाल दे रखा था ठीक है यहाँ समूह दे दिया है वहां पे जाल था तो बस यही चीजें बदलेंगी कुछ नहीं बदलेगा है ना यही चीजें बदलेंगी और कुछ नहीं बदलेगा आप लोगों को ध्यान रखना है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है बहुत ही बढ़िया परफेक्ट लाजवाब लाजवाब है भाई चलिए फिर फटाफट से बढ़ते हैं आगे है ना आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं निम्नलिखित में ऐसे कौन सा विकल्प ईमेल के यूआरएल को सही तरीके से दर्शाता है ठीक है यस नेटवर्कों का जाल था वहां पे चलिए तो कौन सा एक ऐसा है विकल्प जो ईमेल का जो यूआरएल है ना उसके सही तरीके को दर्शा रहा है कमेंट करेंगे सभी जल्दी से सभी साथ ही कमेंट करेंगे डब्ल्यू डब्ल्यू ठीक है बढ़िया सा क्वेश्चन है देखें कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। कुछ लोग बी के साथ जा रहे हैं कुछ लोग डी के साथ जा रहे हैं चलिए वेरी गुड इवनिंग गुरबाणी स्वागत है क्लास में बी आंसर आ रहा है मोस्टली सभी का यस देखो अब यहाँ पे एक बात समझ लो जो बी था और सी था है ना वैसे तो कोई अंतर नहीं है दोनों में लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारा डब्ल्यू डब्ल्यू है ना ये कैपिटल में लिखा हुआ है कैपिटल में लिखा हुआ है नहीं डी नहीं आएगा दिव्या डी नहीं आएगा डी में क्या बोला है .mail .com, ये रहा है कि जो ई मेल यू आर एल होता है उसमें कभी आपको डॉट कॉम ये जो मेल डॉट मेल डब्ल्यू डब्ल्यू के बाद डॉट नहीं देखने को मिलेगा है ना डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट डब्ल्यू डब्ल्यू एट द रेट मेल डॉट कॉम ये परफेक्ट होगा ठीक है बी वाला सही है है ना यस कैपिटल नहीं होगा स्मॉल होगा निम्नलिखित में से एच टी एम एल क्या भाई एच टी एम एल निम्नलिखित में से क्या HTML टी एम एल मूल रूप से किसको डिजाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है किसको डिजाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है फटाफट सभी साथ ही आंसर करेंगे ठीक है वेब पेज वेबसाइट ग्राफिक्स टेबल्स और फ्रेम सभी लोगों ने आई होप कि अपना सेंटर का एड्रेस देख लिया होगा आज पांच तारीख थी आज आप लोगों का सेंटर जो एड्रेस है वो आना था एन वाले बच्चों ने खास करके अपना जो सेंटर का एड्रेस है वो देख लिया होगा ठीक है अच्छे से दीजिएगा एग्जाम देखो टेंशन फ्री होके जाओ भाई है ना, टेंशन फ्री होके जाओ इतना ज्यादा कोई अब ऐसा नहीं है ठीक है एकदम बस तुम्हारे साथ एक पॉजिटिव सोचो मेरिट बहुत लो गई थी राम राम चौधरी साहब राम राम स्वागत है क्लास में ठीक हो क्या पूछ रहा था जो एस टी एम एल है भाई एस टी एम एल मुख्य रूप से किसको डिजाइन करने के लिए किया जाता है कोई ऐसा है जिसने बी आंसर किया हो नहीं है ना तो तुम लोग काफी इंटेलिजेंट हो अगर किसी ने बी आंसर नहीं किया है तुम लोग काफी इंटेलिजेंट हो क्योंकि भाई देखो जो वेबसाइट है ना वेबसाइट में क्या ये कई सारे वेब होते हैं ठीक है तो एस हम डिजाइन जो एस टी हम यूज करते हैं वेब डिजाइन करने के लिए करते हैं ना कि वेबसाइट डिजाइन करने के लिए ये बात ध्यान रखना जब भी एस टी का नाम आता है अगर आपको लगता है कि एस जो है ये वेबसाइट डिजाइन करने का काम आता नहीं वेब वेबपेज डिजाइन करने का काम आता है ये बात ध्यान रखिएगा जो साथी एक के साथ गए थे सब एकदम सही सबका सही आंसर था ठीक है चलिए बढ़ते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन की ओर दिशा निर्देशों या फिर मानकों का ऐसा सेट जो ये निर्धारित करता है कि डेटा फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक किस प्रारूप में भेजा जाए ये क्या कहलाता है फटाफट से सभी साथी करेंगे आंसर जैसे जैसे तुम्हारी संख्या बढ़ेगी ना वैसे वैसे मेरा जोश बढ़ जाएगा ठीक है सो तो फटाफट से संख्या बढ़ाओ ठीक है चलिए फाइव का आ रहा है सी आंसर सभी साथियों को आंसर करना है कि आ, ये मैंने आपको खूब समझाया था ठीक है ना खूब समझाया था मैंने आप लोगों को फटाफट से बहुत ही बढ़िया ठीक है नहीं नीलू ये गलती मत करिए ये गलती मत करिए भाई ये मैंने समझाया भी था आप लोगों को ठीक है एफ होता है एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है ठीक है ना मैक्सिम सभी ने आंसर सही किया है ठीक है सभी का आंसर मैक्सिमम सही है ठीक है चलिए फटाफट से पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर क्या बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल कौन सा प्रोटोकॉल ऐसा है जो कि ईमेल के आदान प्रदान के लिए विशेष रूप से उपयोग किया जाता है अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको सोचना है समझना है विचार करना है और उसके बाद आंसर करना है ठीक है चलिए भाई दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस था दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस था एक बार पहले इस वाले को देख लीजिए ये बोल रहा था कि दिशा निर्देश या फिर मानकों का ऐसा सेट जो ये निर्धारित करता है क्या निर्धारित करता है जो डेटा फाइल है ध्यान देना डेटा फाइल को एक कंप्यूटर से है ना ये मैंने समझाया भी था जब मैं एफ करवा रहा था आपको याद करो उस क्लास में तो एफ को मैंने समझाया था कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक क्या करता है ट्रांसफर करता है या किस प्रारूप में भेज रहा है ये कहलाता है क्या हमारा एफ अब यहाँ पे क्या पूछा था यहाँ पे हमसे ये पूछा था कि भैया कौन सा प्रोटोकॉल ऐसा है जो ईमेल के आदान प्रदान के लिए विशेष रूप से उपयोग किया जाता मतलब ये ये आदान प्रदान के लिए यूज हो रहा था और वो डेटा फाइल को ट्रांसफर करने के लिए यूज हो रहा था ठीक है थैंक यू सो मच नीतू थैंक यू सो मच कोई बात नहीं कोई बात नहीं ठीक है यस yes, ये एस एम टी पी होगा फटाफट से बताना है एक बार जल्दी से सभी साथी कमेंट करेंगे एस एम टी पी की फुल फॉर्म जल्दी से सभी साथी कमेंट करके बताएंगे यस yes, जो साथी ए के साथ जाना एकदम परफेक्ट है एस एम टी पी की फुल फॉर्म फटाफट से कमेंट करके आनी चाहिए और नहीं भी आएगी तो यहाँ पे आपको इसका आंसर देना ही पड़ेगा ठीक है नहीं भी मालूम होगी तो यहाँ पे आंसर करना पड़ेगा निम्नलिखित में से एस एम टीपी है ना एस एम किसका संक्षिप्त रूप है एस एम किसका संक्षिप्त रूप है सभी साथियों को आंसर करना है ठीक है सभी साथी एक बार आंसर करेंगे यस yes, ऋतु का आंसर सबसे पहले आया है वेरी गुड चलिए सिंपलेस्ट मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सैंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सेपरेट मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या बात है भाई गजब हो भाई एकदम बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है ये सारी चीजें ध्यान रख लेना आपके यहाँ से ना दो टॉपिक कवर हो अब आपका कम्युनिकेशन दो दो है एंड है आपका कम्युनिकेशन एंड है कम्युनिकेशन एंड वाली कल आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी शॉर्ट कीज वाली कल आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और कौन सा था एक और

फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रही हो गया पहली क्लास से आज हेलो सत्यन स्वागत है क्लास में भाई सभी साथी जुड़ जाइए चौधरी साहब का आंसर सबसे पहले आ रहा है क्या डी गुरुवाणी का आंसर आ रहा है डी ऋतु का आंसर बी आ रहा है रजविंदर कौर का आंसर डी आ रहा है अच्छा कितने लोग तुक्का लगा रहे हैं तुक्का कितने लगा रहे हो तुक्का क्या लगा रहे हो ये देख करके कि भैया अगर क्या मिल रहा है कि जानकारी कम मिल रही है है ना जैसे क्या था वेरी लिटिल रिलीवेंट इंफॉर्मेशन तो ये लो बैब बैब रेस्पॉन्स क्या कितने लोगों ने तुक्का लगाया है ठीक है वो देख के मालूम चल जाता है कि आपने देखा कि भैया यही रिलेट कर रहा है बस यहीं पे काम खराब हो जाएगा ठीक है यहीं पे काम खराब हो जाएगा गर भाई यही काम नहीं करना है ठीक है चलिए सो ये कहलाता है क्या लो मेमोरी कहलाएगा कभी दूर दूर तक नहीं सोचा होगा इसके बारे में दूर दूर तक नहीं सोचा होगा लो मेमोरी का एग्जाम्पल है लो मेमोरी एक भी आंसर सही नहीं मिला था इसका ठीक है एक भी आंसर सही नहीं मिला था ध्यान रखेंगे सभी साथी ठीक है चलिए ठीक है तो ध्यान रखिएगा ये जब हम कोई जानकारी सर्च करते हैं तो जो जो रिलीवेंट जानकारी होती है उसके आ, मतलब बहुत कम हमको चीजें मिलती है वहां पे दैट इज कॉल्ड क्या लो मेमोरी ध्यान रखेंगे सभी ठीक है भाई चलिए बढ़ते हैं फटाफट से आगे यस yes. अगला क्वेश्चन क्या बोलता है एक वेब पेज पर एक वेब पेज पर यदि हम किसी शब्द को क्लिक करते हैं कोई वेब पेज है ठीक है वहां पे किसी वर्ड को आप क्या कर रहे हो क्लिक कर रहे हो तो एक नया डॉक्यूमेंट खुल जाता है है ना एक नया डॉक्यूमेंट खुलता है इसको क्या बोलते हैं फटाफट से आना चाहिए आंसर और ये संख्या बढ़ा दो भाई अभी तीस ही पहुंचा है पचास तो एटलीस्ट कर दो पचास तक पहुंचा दो इसको ना पचास तक पहुंचा दो कहीं भी शेयर करना पड़े कुछ भी करना पड़े आप तो देखो क्वेश्चंस भी हैं तुम लोग क्वेश्चंस की डिमांड करते हो क्वेश्चंस भी हैं सारी चीजें हैं तो फटाफट से ये संख्या जो है बढ़नी चाहिए जल्दी से एक वेब पेज पर यदि हम किसी भी शब्द को क्लिक करते हैं तो एक नया डॉक्यूमेंट खुल जाता है इसको क्या कहा जाता है एंकर बोलते हैं यू हाइपरलिंक या फिर संदर्भ बोलते हैं सभी का आंसर आना चाहिए बी आंसर आ रहा है राजवंती का सबसे पहले आया है उसके बाद रजविंदर कौर का सबसे पहले सी का आंसर फटाफट से सब क्या आने चाहिए भाई रुकने नहीं चाहिए चाहे गलत करो चाहे सही करो लेकिन आंसर करो ए बी सी सब आ गया कोई डी भी कर दो तो, डी नहीं आया किसी का बाकी सबने ए बी सी तो कर दिया भाई तो सिंपल सी बात है यार कि एक वेब पेज है कोई भी वेब पेज है कि यदि किसी भी वर्ड पे किसी भी वर्ड पे आप क्लिक करते हैं मैं अगर आपको जैसे आपने कभी देखा होगा मैंने ये पहले भी समझा था किसी भी आप मान लो किसी भी वेबसाइट के वेब पेज पे पे हैं तो वहाँ पे कुछ भी जो टेक्स्ट लिखा रहता है ठीक है कोई टेक्स्ट वहां पे लिखा रहता है और वहाँ पे एक ऐसा ना वो तरीके से ना नीले नीले कलर में जो है रहता है उस पर जैसे आप क्लिक करते हो तो एक नया वेब पेज खुल जाता है।, एक नए, एक नया जो है वो खुल जाता है खास करके देखिए कहाँ पे विकीपीडिया पे आपको देखने को मिलेगा ठीक है ये आपको देखने को मिलेगा कहां पे? पे को मिलता है थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू ठीक है चलिए हाइपर लिंक करेक्ट हो जाएगा भाई फटाफट से बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर ठीक है चलिए फटाफट से बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर निम्नलिखित से कौन निम्नलिखित में से कौन एक विशिष्ट वेब पेज और वेब पर इस के कंप्यूटर की पहचान करता है देखो जैसे जैसे तुम्हारी संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे ही मेरा जोश बढ़ता चला जाएगा तो फटाफट से संख्या को बढ़ा दो भाई सभी साथी ठीक है तुम ये रोज रोज बोलते होंगे कि यार कहा से बढ़ा दे है तो होंगे मन में कि ये रोज रोज बढ़ाते बढ़ाने की बोलते रहते हैं कहां से बढ़ाएं ठीक है जिस जिस ग्रुप में आप जहां जहां पे हो वहां पे शेयर करते रहिए बस ठीक है

अच्छा एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा सोचो सभी साथी सबको सोचना है सबको सोचना है सबको सोचना है मिनट नहीं ये वाली बात तो सही थी पता अगर आएगा तो यू आर एल है ठीक है पता अगर आएगा तो यू आर एल ही है एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लो थोड़ी सी गलती हो गई निम्नलिखित में से कौन ध्यान देना कौन एक विशिष्ट है ना एक स्पेसिफिक वेब पेज ध्यान देना स्पेसिफिक वेब पेज की बात हो रही है स्पेसिफिक वेब पेज की बात हो रही है और वेब पर इसके है ना वेब पर इसके कंप्यूटर की पहचान करता है कौन करता है क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ो एक गलती हो गई है ना एक गलती यहां पे हो गई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यस रितु एंड रविता यस वेरी गुड

यस गुड इवनिंग रवि सर स्वागत है क्लास में चलो रवि सर भी आ गए भाई बाकी लोग भी आ जाओ तो रवि सर भी जुड़ चुके हमारे साथ ठीक है चलिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा अमेजोन डॉट कॉम की सभी वेब पृष्ठों पर समान रूप से लगा होगा टॉप लेवल का डोमेन लगा होगा वेबसाइट लगी होगी वेबसाइट एड्रेस लगे होंगे या फिर वेब डोमेन लगे होंगे चलिए सोचिए समझिए विचार करिए ये देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करेंगे है ना अमेजॉन डॉट कॉम की सभी वेब प्रश्नों पर समान रूप से इनमें से क्या लगा होगा थैंक यू सो मच अमृत थैंक यू अब देखो फिर वही तुक्केबाजी शुरू हो गई है ना आपको मालूम है ना एक आ, जो आपका अगर नेगेटिव अगर मार्किंग अगर आप नेगेटिव मतलब गलत क्वेश्चन करके आओगे तो पॉइंट टू फाइव नंबर जाएगा मालूम है ना तो पॉइंट टू फाइव नंबर जाएगा इसीलिए जब तक श्योर ना हो आंसर मत लगाना है ना श्योर ना हो आंसर मत लगाना इसमें से एक भी आंसर करेक्ट नहीं है ठीक है और आपको मतलब लगेगा ऐसा क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि भैया जो अमेजोन डॉट कॉम है अमेजोन डॉट कॉम के समान रूप से क्या भैया वेबसाइट नहीं तो साफ साफ देख रहे हैं एक वेबसाइट वेबसाइट जितने भी पेज होंगे सब पे में लगा होगा कि नहीं लगा होगा ये बात ध्यान रखनी थी आप लोगों को वेबसाइट करेक्ट आंसर था एक भी आंसर करेक्ट नहीं था इसका ठीक है देखो सिंपल सी बात है मैं ये बोलूंगा कि जो नेगेटिव है अगर आपको लग रहा है अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मान के चलो कि भाई आप 80% या 70% तक आप श्योर हो तो रिस्क ले लेना ठीक है 80 या 70 तक श्योर हो तो रिस्क, अगर बिल्कुल ही नहीं पता है बिल्कुल ही नहीं पता है मतलब उसका आपका आगे का और छोर नहीं है कहीं पे भी ठीक है है ना और छोर नहीं है तो फिर उसको आप छोड़ देना अगर बिल्कुल भी नहीं मालूम है कुछ भी तो ठीक है देखो डोमेन क्या होता है वंदना सिंपल सी बात मैं आपको चीज बता देता हूं अभी मैंने उस दिन देखो डोमेन क्या होता है जैसे मान के चलो ये मैंने मैंने यहाँ ब्राउज़र ओपन कर लिया है ना गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन है ये अब डोमेन नेम क्या होता है मैं पर्टिकुलर यहाँ पे अगर कुछ भी वेबसाइट ओपन करता हूँ फॉर एग्जाम्पल मान लो हम अपनी टीचर्स अचीवर्स वाली वेबसाइट ओपन करते हैं मैं एक बार यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ एक मिनट दीजिए बस ठीक है देखिए ये मैंने यहाँ पे टीचर्स अचीवर्स की जो वेबसाइट थी उसको ओपन किया लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे जो एड्रेस बार है इस एड्रेस बार में आपको ये सिलेक्टेड जो है नजर आ रहा होगा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये शायद ये आप ये आप लोगों तो को एक मिनट रुकना दिख रहा है क्या ऊपर वाला पार्ट नहीं दिख रहा है एक बार चक हाँ दिख रहा है ठीक है ना दिख रहा है भाई सभी को सो देखिए यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है यानी किसी भी ये जो आप देखेंगे टीचर्स अचीवर्स डॉट को डॉट इन ये लिखा हुआ है ठीक है लेकिन जो डोमेन नेम होता है डोमेन नेम क्या है यहाँ पे आप देखेंगे टीचर्स अचीवर्स के बाद में टीचर्स अचीवर्स के बाद में जो चीजें आपको दिखाई दे रही है वो चीज क्या थी कि डॉट को और डॉट इन जैसे कहीं कहीं आपने देखा होगा डॉट इन होता है कहीं कहीं आपने देखा होगा डॉट कॉम होता है कहीं पे डॉट ओ आर जी होता है ये एक सेपरेट वीडियो में आप, मैं दे दूंगा कि कहाँ पे आपका जो है इन आता है कहाँ पे आपका ओ आर जी आता है ओ आर जी वाला सर क्वेश्चन है यहाँ पे कहाँ पे जो है जियो भी आता है कहाँ पे डॉट ईडी आता है ठीक है ये जो आप देख रहे हैं डॉट को डॉट इन ये एक तरीके से क्या डोमेन होता है एक तरीके से किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट की पहचान करवा रहा है अब भाई देखो ये तो ब्राउजर था ब्राउजर पे तो बहुत सारी चीजें हैं ना अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक आप टीचर्स अचीवर्स पे कैसे पहुंचे आप इसकी मदद से पहुंचे ठीक है है बस ये है, डोमेन और कुछ नहीं है चलो आ जाओ आगे फटाफट से चलिए अगला क्वेश्चन क्या था इसका आंसर कर दिया था आप लोगों ने निम्नलिखित में से एक्सप्लोरर और फायर किस वर्ग के सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं जल्दी से बताएंगे सभी साथी फटाफट से ठीक है जल्दी से बताएंगे सभी साथी सिस्टम सॉफ्टवेयर है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ब्राउजर्स हैं, इंटरनेट उपकरण है ठीक है।, है बताओ क्वेश्चन नंबर है ट्वेल्व क्या पूछ रहा है एक्सप्लोरर खूब अच्छे से समझाया है मैंने ठीक है ना खूब अच्छे से बताया है। ये सारे क्वेश्चंस जिसने भी मैराथन क्लास करी होगी जिसने भी मैराथन क्लास कर ली होगी उसको क्वेश्चन का आंसर करने में बड़ा मजा आ रहा होगा कुछ क्वेश्चन जरूर ऐसे होंगे जो शायद उसको नए पढ़ने को मिले होंगे ठीक है लेकिन अगर थ्योरी को अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा तो ये चीजें बड़े आराम से आप सॉल्व कर पाओगे तो एक्सप्लोर ऑफ फायर क्या होते हैं हमारे ब्राउजर्स हैं ठीक है क्या है भैया ब्राउजर्स हैं सिंपल सी बात है ठीक है चलिए ब्राउजर्स हैं इतनी बात क्लियर आगे बढ़ते हैं फटाफट से चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से फायरवॉल का उपयोग किसके संचार नेटवर्क की रक्षा के लिए किया जाता जो फायर है जो फायरवॉल है फायरवॉल का उपयोग किसके संचार के नेटवर्क की रक्षा के लिए करते हैं अनाधिकृत हमलों से करते हैं भैया जो कैसे हैं फ्रॉम अनऑथराइज्ड अटैक्स होते हैं उनसे रोकने के लिए वायरस के हमले से या फिर डेटा आधारित हमले से या फिर उपरोक्त सभी से सही सी बताना सही सी बताना तुक्का लगा रहे हो या फिर पता है सच बताना क्या कह रहे हो सर ये सोच के लगा रहे हैं कि जो ऑल ऑफ दीज वाला होता है वो हमेशा करेक्ट होता है, है ना ऑल ऑफ दीज वाला तो बस ये तुक्का लगाना ही भूल जाओ एक आंसर मुझे अभी तक सही दिखा है बस एक आंसर मुझे अभी तक सही दिखा है और आंसर सही है किसका यस दो आंसर सही दिख गए चंचल का आंसर सही था दूसरा अभिषेक का आंसर परफेक्ट है, ध्यान रखिएगा भाई, यस, उषा का भी आंसर परफेक्ट है भाई फायर जो हमारे अनऑथोराइज अटैक्स होते हैं उनके लिए होता है ठीक है अनऑथोराइज अटैक्स होते हैं उनके लिए है, अनाधिकृत हमलों से रक्षा के लिए होता है अनाधिकृत जो हमले होते हैं उनसे रक्षा के लिए है आपने मतलब सारे ही कर दिए ठीक है तो ये गलती मत क्या करो ये गलती मत क्या करो आगे आ जाओ फटाफट से अगले क्वेश्चन की ओर एक इंटरनेट के रूप में एक साधारण टेलीफोन के उपयोग को क्या कहा जाता है एक इंटरनेट के रूप में एक साधारण टेलीफोन का जो उपयोग है उसको क्या बोलते हैं वॉइस नेट बोलते हैं वॉइस टेलीफोन बोलते हैं वॉइस लाइन बोलते हैं फिर वॉइस पोर्टल बोलते हैं ठीक है इंटरनेट के रूप में क्या है साधारण टेलीफोन का उपयोग क्या कहलाएगा ठीक है देखो कोई भी चीजें जैसे ऐसी होती हैं मतलब कि जैसे अगर आप कभी क्या करते हो जैसे किसी वेबसाइट को जब आप सर्च करते हो तो वहां पे एक बार्निंग सी देता है वो है ना कि चीजें मतलब ऑथराइज नहीं है जैसे मैंने कल आपको बताया था उस दिन की एक होता है। है? एक लेना पड़ेगा अगर आप वो सर्टिफिकेट नहीं लोगे तो कोई भी व्यक्ति अगर उस डोमेन को सर्च करेगा या फिर आपकी वेबसाइट को सर्च करेगा तो वहाँ पे ना एक वार्निंग उसको दिखाएगा कि भैया आप इस वेबसाइट पर जा रहे हो ये वेबसाइट जो है मतलब तरीके से अनऑथोराइज un है तो ये आपकी जिम्मेदारी है पूरी अपने रिस्क पे जाएंगे तो उसमें फिर आप आगे उसको प्रोसीड करते हैं तो फिर वहां पे आपको जाके छोड़ दिया जाता है ठीक है तो ये होता है मतलब कि जो तरीके से पूरी तरीके से क्या है अथॉरिटी नहीं है अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है मतलब जैसे अगर सपोज करो आप किसी वेबसाइट पे जा रहे हैं ठीक है तो वहां पे आपको पुष्टि करनी पड़ेगी उसकी कि भैया हाँ इसके लिए वैलिड जो है लाइसेंस आपके पास एक तरीके से वो होता है कि हमारा एस सर्टिफिकेट सी आंसर आ रहा है सी आंसर आ रहा है सी आंसर आ रहा है सी सी वॉइस वॉइस लाइन टेलीफोन अच्छा कितने बच्चों को लग रहा है कि ये जो आंसर है एक मत रुकना है ना एक रुकना थोड़ा सा पानी ले आऊं एक मत रुक जाऊ हां भाई यस जो लोग सी के साथ जा रहे हैं जो नहीं ये वाला करेक्ट नहीं होगा सी वाला एकदम परफेक्ट है वॉइस लाइन कहलाती है ठीक है ना वॉइस लाइन कहलाएगी वॉइस लाइन चलिए कोई बात नहीं आ, थोड़ा सा क्वेश्चन देख लें अभी निम्नलिखित कथनों में कथित कौन सा सही है चार स्टेटमेंट है आपके पास पढ़ना है आप लोगों को आराम से अब देखो अब आप लोगों की संख्या बढ़ गई ना अब देखो मेरा जोश ही बढ़ जाएगा ठीक है इसको बस डाउन मत होने देना इस संख्या को इस संख्या को बढ़ाते रहना इस संख्या को इंक्रीज करते रहना उतना ही जोश आपको जो है ऊपर का देखने को मिलेगा सो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो कथन है वो सही है मॉडर्म एक सॉफ्टवेयर है मॉडम वोल्टेज इसे रखने में सहायता करता है मॉडम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है मॉडम में एनालॉग संकेतों को डिजिटल एवं इसके विपरीत भी यानी वर्षा है ना परिवर्तित किया जाता है ये मैंने बहुत अच्छे से बताया जिन साथियों ने मैराथन क्लास करी होगी तो इंटरनेट और कम्युनिकेशन वाली जितनी भी मैंने पॉइंट्स वहाँ पर रखे थे कोई भी क्वेश्चन आपको उससे बाहर देखने को नहीं मिल रहा होगा कुछ क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए तो ठीक है चलिए वेरी गुड इवनिंग हर स्वागत है क्लास में सभी साथियों गुड 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 इवनिंग 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 भाई गुड इवनिंग गुड इवनिंग यस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है तो मॉडर्न देखो सॉफ्टवेयर तो है नहीं भाई बताया था मैंने आप लोगों को वोल्टेज से कोई मतलब है नहीं मॉडर्म का ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमने को नहीं पढ़ा मॉडर्न तरीके से इंटरनेट में काम आता है तो यह क्या करेगा जो एनालॉग संकेत होते हैं उनको डिजिटल में और जो इसके बाइसा वर्ष भी मतलब उल्टा भी कर सकता है डिजिटल को एनालॉग में, में ऐसा कर सकता है ठीक है इंटरनेट तो पर वीडियो जिसको हम लाइव लाइव कास्टिंग, डिलेड लाइव कास्टिंग कहा जाता है, एक तरीके से जो आप देख रहे हो ठीक है? वर्चुअल वीडियो है सीधा प्रसारण है, है वीडियो या फिर रियल टाइम वीडियो है फटाफट से बताएंगे सभी साथी आंसर क्या हो जाएगा देखो क्या बात है तुमने गजब कर दिया भाई ठीक है फिफ्टी वन थे लेकिन फिर फोर्टी एट आ गए अरे भाई ऐसा क्यों कर रहे हो बढ़ाओ उसको गिराना नहीं है बढ़ाना है आगे ठीक है क्वेश्चन देखो कुछ क्वेश्चन जो होंगे ना अगर आपको ये सीरियल में नंबर अगर कहीं कुछ कमी दिख रही है ना मतलब नंबर अगर आगे पीछे दिख रहा है नंबरिंग पे मत जाना प्लीज वो फिल्टर किया हुआ है मैंने है ना फिल्टर किया हुआ है जो रिपीटेड क्वेश्चन को हटा रखा है है ना मतलब क्वालिटी क्वेश्चन मिलने चाहिए रिपीट क्वेश्चन का मतलब है नहीं कुछ ठीक है चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जो साथी अरे क्या कर रहे हो भाई क्या कर रहे हो अगर मैंने बोल दिया कि सीधा प्रसारण नहीं है भाई एक आंसर सही है संस्कृतम का आंसर सही आ रहा है वेद भाषा संस्कृतम बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया डी आंसर करेक्ट था भाई रियल टाइम वीडियो करेक्ट होगा है ना रियल टाइम वीडियो करेक्ट होगा रियल टाइम वीडियो करेक्ट होगा सीधा प्रसारण नहीं बोलेंगे ये मैच नहीं आ रहा है ठीक है यस चलो आगे आ जाओ फटाफट से निम्नलिखित में से कौन से दूर संचार हार्डवेयर का उपयोग करके आप बैब कर सकते हैं तो कौन से दूर संचार हार्डवेयर का उपयोग करके हम जो है बैब को एक्सेस कितने बच्चे जो इसका सही आंसर कर पाएंगे ठीक है सोचिए समझिए विचार करिए फिर बताइए सोलह छूट गया है क्या एक मिनट रुको भाई देखो ये था क्वेश्चन नंबर था फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर था फिफ्टीन 15 के बाद यहाँ पे आ, 16 नंबर नहीं है है ना 16 क्वेश्चन नंबर है ही नहीं था 16 वाला क्वेश्चन था नहीं डायरेक्ट 17 है मैंने बताया था कि क्वेश्चनिंग के नंबर पे मत जाना नंबर आपको आगे पीछे देखने को मिलेंगे ठीक है तो ये बात थी सारी चलो आंसर आ रहा है 17 आ, नहीं, 18 का आंसर करेंगे 18 का, 18 का 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 संस्कृतम आंसर आया है बी सबसे फास्ट भाई सभी साथी को आंसर करना है जो भी साथी है सब फटाफट से आंसर करेंगे नीलू का आंसर भी आ रहा है मॉडर्म बताइए बताइए भाई ऊर्षा का आंसर डी आ रहा है

हार्डवेयर खत्म सॉफ्टवेयर काम का है सॉफ्टवेयर वाली वीडियो कल मिल जाएगी कल आपको तीन से चार वीडियो रिकॉर्डेड दे रहा हूं तो चिंता मत करिए भाई मॉडर्न आंसर करेक्ट हो जाएगा जो साथ ही मॉडर्न के साथ जाने सभी करेक्ट होंगे ठीक है ना होगा और कुछ करेक्ट नहीं होगा ब्राउजर एफ कुछ नहीं होगा ठीक है मॉडर्न करेक्ट है बी वाले सभी करेक्ट हैं भाई ठीक है चलिए आ जाओ फटाफट से अगले क्वेश्चन की ओर निम्नलिखित में से कौन सा डोमेन मूलतः गैर लाभदायक संगठनों के लिए था देखो अभी हम ये बात कर रहे थे ठीक है मैक्सिम तो चीजें यहाँ पे शायद दो से तीन मैं आपको कवर करा दूंगा अगर कुछ रहता है तो वो मैं बाद में कवर करवा दूंगा मतलब ये डोमेन का नेम पूछता है कौन सा डोमेन किसके साथ रिलेटेड है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से अगला क्वेश्चन क्या है थैंक यू सो मच so वेद भाषा संस्कृत जी बिल्कुल पूरा आईसीटी कवर करेंगे चिंता नहीं करेगा ठीक तो है और मैक्सम तो कवर हो चुका है मैराथन क्लास हुई थी ना उस मैक्स मैराथन में बहुत कुछ हमने कवर करा दिया है ठीक है कुछ टॉपिक छोटे छोटे रह गए थे वो मैंने बोल दिया कि रिकॉर्डिंग वाली कल आपको मिल जाएगी तो जो एन वाले बच्चों से मेरा प्रॉमिस था ठीक है आईसीटी का तो एकदम तो कंप्लीट हो जाएगा और कोशिश करूंगा की टीचिंग एप्टीट्यूड वाला में जो कुछ टॉपिक्स हमारे बच्चे हैं वो शायद अगर जितनी भी कोशिश कर पाएंगे उतना करेंगे ठीक है आंसर क्या रहा है डॉट ओ आर जी डॉट ओ आर जी डॉट ओ आर जी बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया भाई बहुत ही बढ़िया परफेक्ट नहीं डी करेक्ट hmm. नहीं होगा डी करेक्ट नहीं हो, होगा भाई ठीक है डी करेक्ट 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 नहीं होगा होगा ठीक है क्लास देखी थी देखो, थी देखो देखो डोमेन वाली चीजें मैं क्या हूं? कुछ क्वेश्चंस मैं बस ये बोल रहा हूँ कि जो भी आप लोगों ने उस मैराथन क्लास में पढ़ा है वो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए जो आप पढ़ के आ चुके हो मैराथन क्लास में वो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए अगर कुछ नए क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको वहां से नई लर्निंग मिलेगी डोंट वरी ठीक है चलिए निम्नलिखित में इस बात का निम्नलिखित में ऐसे, कौन सा इंटरनेट कनेक्शन स्थापित करने का विकल्प है मतलब किससे देखो अब ये वाला बिल्कुल वहीं से है। ये टू जेड मैंने करवाया था है ना? ये बिल्कुल जिन बच्चों ने क्लास देखूंगी एकदम ढंग से ठीक है चलिए चलिए फटाफट से जाओ सभी साथी मेरा देखनी पड़ेगी अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा तो कौन सा इंटरनेट कनेक्शन स्थापित करने का विकल्प है डायल अप कनेक्शन है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है या फिर ब्रॉडबैंड है या फिर उपरोक्त सभी सोचिएगा समझिएगा विचार करिएगा ठीक है गुड इवनिंग गरिमा गुड इवनिंग सभी साथियों गुड इवनिंग भाई क्वेश्चन नंबर डाल के मेंशन किया करें आप लोग ऐसे सी और बी नहीं करें प्लीज क्वेश्चन नंबर डाल के मेंशन करें क्वेश्चन नंबर जरूर डालना चाहिए ठीक है चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जो साथ ही हमारे डी के साथ जा रहे हैं भाई डी करेक्ट होगा ऑल ऑफ दिस दिसको डायलॉग कनेक्शन बताया था मैंने आपको डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन शायद रह गया था लेकिन ब्रॉडबैंड तो हमने बताया था जब ये दो हैं देखो जब दो के बारे में आप श्योर हो तो तीसरा तो ऑटोमेटिक आपको इंक्लूड करना था ठीक है क्योंकि हमारे पास ऑल ऑफ दिस फिर तो विकल्प ही था ठीक है ना फिर दैट इज द रीजन की डी के साथ हमको जाना पड़ेगा ये दो तो मैंने आपको बहुत अच्छे से कराए थे ना ब्रॉडबैंड और ये तो फिर क्यों डर रहे हो निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर सूचना सुरक्षा से संबंधित नहीं है

एन वाले बच्चे जो जो भी एन वाले साथी हैं वो मैराथन अगर नहीं देखेंगे तो फिर बता रहा हूँ अगर आप मैराथन नहीं देखोगे तो समझो फिर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो भाई मैराथन क्यों नहीं देख रहे हो टाइम निकालो टू पे देखो थ्री पे देखो ठीक है टाइम निकाल के टू पे थ्री पे करके उसको निपटाओ फटाफट से चलिए सो अब जो आंसर आ रहा है कुछ लोग बी बता रहे हैं कुछ लोग डी बता रहे हैं बी तो भैया वॉटर मार्किंग क्या बात कर रहे हो यार वॉटर मार्किंग ये क्यों नहीं हो सकता ये क्या पूछ रहा है कि कौन सा इंटरनेट पर सूचना सुरक्षा से संबंधित नहीं है अगर मैं यहां, पे यहां तो रह गया है, लेकिन अगर आपने कहीं कहीं देखा होगा कि जब कोई मैं क्लास यहां पर वॉटरमार्क तो नजर आता है वॉटरमार्क क्यों आता है कि भैया एक तरीके से वो इन्फॉर्मेशन एक तरीके से क्या है हमारे कोई उसको चुराना ले है ना कोई उसको चुराना ले सो तो ये तो बात बिल्कुल सही थी वॉटर मार्किंग तो इसके लिए आता है सूचना सुरक्षा से रिलेटेड है वॉटरमार्क जो डेटा एनक्रिप्शन है ये भी रिलेटेड है और डेटा हाइडिंग भी इसी का हिस्सा है

ये मत गलत करना सभी इसको गलत नहीं करेंगे सभी ठीक है कोई साथ ही गलत नहीं करेगा विट का अर्थ पूछ रहा है क्या क्या है बिट मींस क्या है फटाफट से आंसर आना चाहिए ठीक है क्वेश्चन खतरनाक नहीं है ठीक है टेंशन मत लीजिए क्वेश्चन खतरनाक नहीं है देखो एक चीज बताऊं आसान की और कठिन की परिभाषा क्या है आसान की और कठिन की सिंपल सी परिभाषा है जो हमसे आता है वो आसान होता है और जो नहीं आता है वो कठिन होता है बस इतना इतना मान लो फिर कुछ नहीं है ठीक है चलिए सो देखो क्या हो रहा है भाई बी के साथ क्यों जा रहे हो बाइनरी ट्री किसने पढ़ा दिया तुम्हें बाइनरी ट्री किसने पढ़ा दिया भाई तो बाइनरी डिजिट होती है बिट क्या है बाइनरी डिजिट है बाइनरी ट्री कुछ नहीं है ये कुछ होता ही नहीं है ये ठीक है सिंपल सी बात सी आंसर करेक्ट था सी आंसर परफेक्ट था इसका ठीक है मुरल डाउन मत करना देखो कितना आसान क्वेश्चन आ गया तुम बैसी परेशान हुए जा रहे हो कितना बढ़िया क्वेश्चन है STTP, STTP का पूर्ण रूप क्या है करवाया था कि नहीं करवाया था बताओ STTP का पूर्ण रूप क्या है करवाया था ना तो हाइपर टेक्स ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल है हाइपर टर्मिनल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है हाइपर टर्मिनल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है तो फटाफट से अपना जोश जगा और इसका आंसर करो जल्दी से ठीक है यस yes, आंसू स्वागत है क्लास में अभी कोई 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 नहीं नहीं कोई नहीं पूजा कोई नहीं, don't worry, don't worry. और ये बाकी बच्चे कहां बाकी ना, ये बार मैंने बता दिया हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो आसान क्वेश्चन है वैसे ही घबरा रहे हो तुम लोग ना हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल बी ऑप्शन क्या हो, जाए? तो आंसर हो जाएगा प्रोटोकॉल जो दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के बीच टेक्स्ट के को सुगम बनाता है। देखो, हमने पढ़ लिया अब भैया जो एस टी एम एल है उस तो और है, क्या हो सकती है की फुल फॉर्म तक सीमित नहीं रहना है उसके बारे में और कुछ भी समझना है। मतलब जो प्रोटोकॉल है जो दो या फिर दो से अधिक कंप्यूटरों के बीच हाइपर ना स्थानांतरण को क्या बनाता है सुगम बनाता है ठीक है क्या कहलाएगा एस टी एम एल कहलाएगा एस सॉरी एफ पी कहलाएगा एस टी पी कहलाएगा टी सी पी कहलाएगा सोचेंगे समझेंगे विचार करेंगे और विचार करने के बाद ही सबका आंसर आना चाहिए ठीक है सभी साथियों का विचार करने के बाद ही आंसर आना चाहिए ठीक है जल्दी से फटाफट से आ जाओ सभी साथी कुछ लोग ए बता रहे हैं कुछ लोग सी बता रहे हैं देखो यही गलती कर रहे हो बस एफ टी पी भी आंसर आ गया बाय एफ भाई बी के साथ क्यों जा रहे हो अच्छा एक बात बताओ चलो कोई बात नहीं आ जाओ देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि भैया वो कौन सा प्रोटोकॉल है जो दो या फिर दो से अधिक जो हमारे कंप्यूटर हैं उनके भी जो हाइपर टेक्स है है ना उसके स्थानांतरण को सुगम बनाएगा तो ये भैया एस नहीं होता है क्यों एस के पीछे पड़ गए एस टी नहीं है ये क्या है आपका ये है एस ये मैंने आपको बताया था कि जब हम क्या करते हैं कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं तो देखो तो यहाँ पे फिर से दिखाता हूं आप लोगों को यहाँ पे भी लिखा हुआ आता है एस करके एस टी देखो ये दिख रहा है यहाँ पे एस सी दिख रहा है यहां, HTML तो कहीं है नहीं ना तो एस टी टीपी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको तो ये मैंने आपको समझा है सभी, सभी परफेक्ट आंसर था एक वर्ड आता है क्या आई आर सी ठीक है तो आई आर सी का पूर्ण रूप क्या है आई आर सी आई आर सी की फुल फॉर्म पूछ लेता है कभी कभी तो सभी को ध्यान रखना है ठीक है सिंपल सी बात थी है ना चलो सभी साथी आंसर करेंगे क्या है इंटरनेट रिलेटेड चैट है इंटरनेट रिले चैट है या फिर इंटरनेट रिलेटेड कंटेंट है नन ऑफ द एबोव देखो किसी क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं तो परेशान मत होना भाई ठीक है ना क्वेश्चंस अगर रॉन्ग हो रहे हैं तो परेशान मत होना ठीक है सीखो यहां से ये क्वेश्चन सिखाने के लिए तो हैं यहाँ गलत कर लो कोई दिक्कत नहीं तुम्हारे पास टाइम है और यहाँ से जो जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो सबको बस माइंड में फिक्स करके रखना है सारे क्वेश्चंस को माइंड में फिक्स करके रखना है ट्वेंटी सिक्स का बी आ रहा है कुछ लोग सी बता रहे हैं कुछ लोग बी बता रहे हैं नो no आई ये अच्छा था चंचल का आंसर चलिए कोई बात नहीं

इंटरनेट का जो स्टार्टिंग का जब मैं आपको इंटरनेट का इतिहास पढ़ा रहा था इंटरनेट के जब इतिहास पढ़ा रहा था याद करो मैराथन वाली क्लास को तो सबसे पहले किससे सहायता मिली थी जल्दी से बताओ सभी साथी फटाफट से बिल्कुल सिंपल है बहुत बढ़िया देखो तो सभी का आंसर करेक्ट है ना भाई अर्पण है ठीक है बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया लाजवाब तो सिंपल था जिन्होंने क्लास करी हुई एक बार में इसका ठग से आंसर कर देते है ना एक बार तुरंत देखते और फटाफट से आंसर कर देते वरना तो माइक्रोसॉफ्ट में या फिर विलगेट्स में जाते, आज वो अगले क्वेश्चन की ओर कौन से संगठन ने इंटरनेट एक्सप्लोरर का आविष्कार किया और उसको जारी किया यह भी बताया था मैंने ये कहां कराया था मैंने को वेब ब्राउजर में करवाया करवाया था था है ना वेब ब्राउजर में था। और मैंने आपसे भी कहा था कि कौन सा वेब ब्राउजर किसने डेवलप किया है कब डेवलप किया है वो जरूर याद रख लेना तो वही यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इंटरनेट एक्सप्लोर था जो हमारा वेब ब्राउजर था इसका आविष्कार किसने किया माइक्रोसॉफ्ट ने किया विप्रो ने सन माइक्रोसिस्टम ने या फिर इन्फोसिस ने ठीक है एक बार में आंसर आएगा कि नहीं आएगा टेस्ट बुक में पूछा देखो आंसर ये, ये जगह ठीक है? तो है।, बहुत बहुत है, 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 अच्छा, है अभी इस किस नाम से जाना जा रहा है इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर को अब किस नाम से जाना जा रहा है फटाफट सभी साथ ही आंसर करेंगे ये भी मैंने बताया था जो अब जो इंटरनेट एक्सप्लोर है इसकी जगह पे क्या आ गया है इंटरनेट सॉरी एक्सप्लोर की जगह पे अभी क्या आ गया है अभी क्या आ गया है है प्रेजेंट में क्या है? जल्दी से इसका फटाफट से आंसर बताओ मुझे ये भी मैंने करवाया था ब्राउजर तो है नहीं मेरा क्वेश्चन ये था कि जो क्वेश्चनोर है इसकी इसकी जगह जगह पे अभी क्या आ गया है किसने ले लिया है क्योंकि अभी आप देखेंगे अभी तो ये नहीं आ रहा है अभी कुछ और आया है इसकी जगह पे नया वो क्या आया है क्रोम नहीं क्रोम तो गूगल का है यस शिवानी परफेक्ट एज आ गया है, है ना? आ भाई क्रोम क्रोम तो गूगल गूगल का का है का है अरे देखो तुम लोगों ने मैराथन क्लास नहीं करी क्या तुम क्या तुम लोग कर रहे हो मैराथन क्लास अटेंड करी थी ही थी? नहीं करी है तुम 50 नहीं करी. और नहीं करी तो बहुत दिक्कत में सच बता रहा हूँ बहुत दिक्कत में सच बता रहा हूं मैराथन क्लास जो जितनी भी हुई हैं अलग अलग पार्ट में हुई थी ना अलग अलग पार्ट में हुई थी सारी मैराथन अटेंड कर लेना वरना बहुत दिक्कत में ध्यान रखना ठीक है चलिए निम्नलिखित में से गोफर प्रोटोकॉल का प्रयोग किस कार्य के लिए यह नया क्वेश्चन है ठीक है ये नया क्वेश्चन है जो एक हमारा क्या गोफर प्रोटोकॉल तो इसका जो प्रयोग है वो किस कार्य के लिए हम करते हैं ठीक है इंटरनेट पर दस्तावेजों का वितरण के लिए करते हैं इंटरनेट पर दस्तावेजों की खोज के लिए किया जाता है इंटरनेट दस्तावेजों की पुनः प्राप्ति के लिए करते हैं या फिर इन सभी के लिए करते हैं नहीं सारे पार्ट देख लेना बंधे न तीन पार्ट हुए हैं उसके है ना तीन पार्ट हुए हैं उसके तीनों पार्ट देख लेना एक एक घंटे का है एक दो घंटे का है और एक शायद आपका डेढ़ घंटे के आसपास है मेरे हिसाब से ना यस बहुत बढ़िया तो ये नया क्वेश्चन इसको ध्यान रखना ये मैंने थ्योरी वाले में कवर नहीं हो पाया था तो जो चीजें थ्योरी में कवर नहीं हो रही हैं उसको आप यहां से याद रखेंगे ठीक है यस बहुत बढ़िया ठीक है ये सभी के में काम आता है इन सभी में काम आता है इन सभी में काम आता है यस यस रविता सिक्सटी हो गए बहुत बढ़िया मेरा जोश भी बढ़ गया देखो जैसे सिक्सटी हो ना मेरा जोश भी ऑटोमेटिक बढ़ गया है ठीक है नहीं देखो आधी अधूरी जानकारी उषा हमेशा खतरनाक रहती है ठीक है ध्यान रखेंगे ठीक है चलिए भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट से वर्ल्ड वाइड वेब सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था यह भी बताया था मैंने आप लोगों को वर्ल्ड वाइड वेब सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था विल गेट्स अर्पाने टिमबर्नस ली या फिर विल रोजर्स बताओ फटाफट से थर्टी फर्स्ट थर्टी फर्स्ट का आंसर करेंगे सभी साथी ये तो याद रहेगा इमेज भी दिखाई थी मैंने है ना इमेज भी दिखाई थी पिक्चर भी दिखाई थी अच्छा एक बात बताना ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है ये क्या था वर्ल्ड वाइड वेब क्या था वर्ल्ड वाइड वेब था क्या जल्दी से बताओ फटाफट वर्ल्ड वाइड वेब क्या है क्या था जल्दी से बताओ चलो हिंट दे दी मैंने क्या था सभी इस मुझे फटाफट से बताएंगे जो वर्ल्ड वाइड वेव था ये क्या था जल्दी से बताना सभी साथी ठीक है कमेंट करके बताना क्या था ये निम्नलिखित में से इंटरनेट का या फिर के कौन से उपयोग है या फिर है ठीक है मनोज जी पूछ रहे हैं एसडी कैंपस पर भी पढ़ाते हैं नहीं मनोज जी अभी मैं एसडी कैंपस पर नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी सारी क्लासेस मेरी यहीं पे हो रही हैं ठीक है थीके? अभी एसडी कैंपस पे पढ़ाता था बट अब नहीं हो यस बहुत बढ़िया अभिषेक का आंसर सबसे पहले आया है एकदम लाजवाब आंसर आया है

चलो बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया लाजवाब परफॉर्मेंस ठीक है सारे करेक्ट हो जाएंगे भाई ऑल ऑफ दीज के साथ ऑफिस डॉट शायद नीलू ने आंसर किया था इसका .edu जो, है, जो मैंने भी आपको दिखाया था ना, जैसे डॉट कॉम हो गया डॉट इन हो गया डॉट जीओ बी हो गया ठीक है ऐसे ही डॉट ई डी यू डॉट ई डी यू देखो सबसे पहले आंसर भी आ गया किसके लिए यूज होता है ये तो नाम से समझ जाओगे ना ये तो नाम से समझ जाओगे ठीक है कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं नाम से समझ में आ रहा है बड़े आराम से भैया आ रहा है ना मतलब क्या है एजुकेशन है 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 मतलब एजुकेशन ठीक है बहुत बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे अच्छे ठीक है है का पूर्ण रूप क्या देखो सच बता रहा ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे टेन से मत लेना बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे ठीक है यू आर एल का पूर्ण रूप क्या है, है? फटाफट से बताएंगे सभी साथी कमेंट करके पूजा का आंसर एकदम गोली की रफ्तार से आ रहा है भाई बी आंसर बी आंसर बी आंसर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोके यस yes, बहुत ही बहुत का, है, है? E का मुख्य लाभ क्या है ई e मेल जो है भैया इसका सबसे बड़ा लाभ क्या है तीव्र गति लाभ है कम लागत है रिकॉर्ड कीपिंग है या फिर ये सभी है अगर आपसे पूछे कोई आपसे बेनिफिट ऑफ ई मेल तो क्या आंसर आएगा जल्दी से बताएंगे सभी साथी ठीक है स्किप कर देना उसको भाई उसका क्वेश्चन तुम देख लेना मैं सच बता रहा हूं क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं कि ब्रह्मांड से प्रकट होकर नहीं आएंगे क्वेश्चन बहुत बेसिक से रहेंगे ठीक है चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया लाजवाब ठीक है तीव्र गति भी है भाई कम लागत भी है रिकॉर्ड कीपिंग भी है सब आते हैं ठीक है ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था इनमें से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर नहीं है कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है नेटस्कैप नेविगेटर नहीं है क्रोम नहीं है या फिर नहीं है या फिर ओपेरा नहीं है बताएंगे सभी फटाफट से चलिए भाई आज तो हमारी क्लास में ट्रिकी क्लासेस नंबर वन भी आ गए। क्या बात है आज जवाब क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन शिवानी का आंसर सी आया है पूजा का आंसर भी सी आया है क्या बात है अच्छा ये रूपल है क्या वैसे अगर आप लोग बोल रहे हो कि ये नहीं होगा तो ये है क्या कोई बताएगा मुझे कमेंट करके कि व्हाट इज रूपल चलो तो ठीक है भैया नेटेस्कैप नेविगेटर ब्राउजर है क्रोम ब्राउजर है ओपेरा ब्राउजर है लेकिन ये क्या है फिर अगर ये ब्राउजर नहीं है तो ये है क्या नो डाउट आंसर करेक्ट है ठीक है सी करेक्ट है लेकिन ये है क्या ये फटाफट से एक बार कमेंट कर दो ये है क्या जल्दी से फटाफट सभी साथ ही कमेंट कर दो ये है क्या ठीक है आंसर सबका आना चाहिए आंसर रुकना नहीं चाहिए ठीक है वर्ल्ड वाइड वेब क्या है ठीक है वर्ल्ड वाइड वेब क्या है कंप्यूटर खेल है ठीक है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है इंटरनेट का भाग है जो परस्पर जुड़े हुए पेजों के मध्य से सूचना प्रदान करना सक्षम बनाता है या फिर इंटरनेट का दूसरा नाम है तो फिर कैसे बताया कि ये वेब ब्राउजर नहीं है भाई फिर बताया कैसे वेब ब्राउजर नहीं है ओपन सोर्स बहुत बढ़िया दिव्या ग्रेट एफर्ट दिव्या परफेक्ट चलिए भाई वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये क्या है वर्ल्ड वाइड वेब क्या है चलिए सभी साथी का आंसर आना चाहिए ठीक है ओके आसू प्लीज टेक केयर सी आंसर आ रहा है सी आ रहा है ठीक है सी आ रहा है यस चौधरी साहब परफेक्ट एकदम चलिए भाई ठीक है बहुत बढ़िया है ना सरकारी है, सबसे बड़ा सबसे बड़ा देख के लगा गया अगर यहाँ पे एक ऑप्शन ये होता अगर यहाँ पे एक ऑप्शन ये होता कि भैया जो वर्ल्ड वाइड वेब एक वे वे यहाँ देते कि वेब ब्राउजर फिर क्या करते अगर यहाँ पे ये यह वेब ब्राउजर दे देते दे फिर क्या करते

बताएंगे सभी फटाफट सर्च इंजन क्या है है ना मैक्रोमीडिया फ्लैश है गूगल है Netscap है, इंटरनेशनल पुस्तकालय सूचकांक है टीजीटी का यह सूसा टीजीटी के लिए बिल्कुल इसको प्रीफर करिएगा ठीक है टीजी टी के लिए और जैसे एक बार ये एंटिटी वाला पेपर हो जाता है ना तो फिर हम लोग थ्योरी भी स्टार्ट करेंगे सो आप लोग टीजीटी वाले बच्चों को भी थोड़ा मदद मिल पाएगी उससे ठीक है यस गुड नाइट आसू टेक केयर प्लीज चलिए बहुत बढ़िया भाई सर्च इंजन गूगल सबको मालूम है ठीक है ठीक है गूगल सर्च इंजन सबको मालूम है निम्नलिखित में यूआरएल क्या है एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है UFO का एक प्रकार है पर किसी दस्तावेज है, है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है देखो मेरी बातें पुरानी याद कर लो यू आर एल के विषय में क्या बताया था और आंसर ले लो फटाफट से ठीक है थोड़ी देर पहले बताया था पीआरटी की प्रैक्टिस हाँ पीआरटी वाला बंद नहीं होगा मनोज पीआरटी वाला चलता रहेगा ठीक है, है और सारी क्लासेस मेरी यहीं पे होंगी तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट जो लोग मेरे पुराने साथी थे तो सारी क्लासेस मेरी यहीं पे अटेंड करें ठीक है मेरी सारी क्लास यहीं चल रही है ठीक है चलिए बहुत बढ़िया कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक ही सब्जेक्ट को ठीक है चलो अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा वो वाली बात ठीक है अगर आपको मान लो यहाँ पे भी समझ में आ रहा है और आपको मान लो वहीं पे भी समझ में आ रहा है तो कहीं एक ही जगह अटेंड करो वरना खिचड़ी पक जाएगी सच बता रहा हूँ ठीक है अगर आपको दोनों जगह कॉन्टेंट बढ़िया लग रहा है तो किसी एक ही जगह आप क्लास अटेंड करिए मैं ये नहीं कर रहा आप यहीं पे अटेंड करिए आपको जहाँ पे भी अच्छा लग रहा है दो जगह अगर आप करेंगे तो फिर देखो लास्ट टाइम में बहुत दिक्कत हो जाएगी ध्यान रख लेना ठीक है यूआरएल के साथ क्या है पता जुड़ा हुआ है बताया था मैंने आप लोगों को और ऑप्शन नंबर सी में क्या है हमारा पता है राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है चलिए बिल्कुल चलिए एसटीटीपी www ठीक है classon.com किसका एक उदाहरण है बताएंगे सभी साथी कमेंट करके यस थैंक यू सो मच मनोज हरी दर्शन जी थैंक यू सो मच बहुत ही बढ़िया सभी साथी फटाफट से आंसर करेंगे ये क्या है यू है एक्सेस कोड है डायरेक्ट्री है सर्वर है पता है ना भैया अगर ये पत, ये जो एक एड्रेस है

सी आंसर आ रहा है सी आंसर आ रहा है बड़ा देख के लगा रहे हो क्या बड़ा देख के मत लगाना भैया ना बड़ा देख के लगा रहे तो ऐसा मत करना ठीक है ये क्या है बिल्कुल सही आंसर था बहुत ही बढ़िया बहुत ही लाजवाब बहुत ही परफेक्ट एक चैट प्रोग्राम जो वास्तविक समय में इंटरनेट के माध्यम से लोगों के बीच संवाद करना सुगम बनाता है बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है अच्छा पता है क्यों बनाए अच्छा बनाया इसके ऑप्शंस की वजह से वैसे क्वेश्चन आसान हो जाता है लेकिन इससे जो ऑप्शन है ना इस ऑप्शन से क्वेश्चन बड़ा लाजवाब बन गया कि एक ऐसा चैट प्रोग्राम जो वास्तविक समय में है ना वास्त, रियल टाइम में इंटरनेट के माध्यम से लोगों के बीच संवाद करना सुगम बनाता है ठीक है क्या कहलाएगा 43 क्वेश्चन नंबर है 43 और आंसर आ चुका है डी डिस्टेंस मैसेजिंग है इंस्टेंट मैसेजिंग है चैटिंग रूम है या फिर उपरोक्त सभी है अब तो पड़ गए सोच में हम्म चलिए भाई थोड़ा सोचिए कुछ कुछ ने एकदम लाजवाब आंसर किया है कुछ बच्चों ने एकदम बाकी में लाजवाब आंसर किया है भाई बाकी है बहुत बढ़िया

डायरेक्टली भी भी क्वेश्चन है डायरेक्टली क्वेश्चन है ऐसी किसी, किसी भी वेबसाइट का, कि का जो पहला पेज है वो क्या कहलाता है होम पेज कहलाता है इंडेक्स कहलाता है मेन्यू बार कहलाता है फिर कुछ भी नहीं कहलाता चलिए फटाफट से बताएंगे सभी सिंपल है ना सिंपल है भाई क्या हो जाएगा होम पेज करेक्ट हो जाएगा बहुत बढ़िया होम पेज करेक्ट हो जाएगा होम पेज करेक्ट हो जाएगा एचटीएमएल किसका संक्षिप्त रूप है जो एचटीएमएल है एचटीएमएल की फुल फुल फॉर्म पूछी गई है आपसे एचटीएमएल की फुल फॉर्म पूछी गई है सिंपल ठीक है फटाफट से बता दो फटाफट से बता दो बड़ा आसान है ठीक है चलिए भाई फोर्टी फाइव का सी बिल्कुल परफेक्ट है हाइपर टेक्स मार्कअप लैंग्वेज ठीक है बहुत बढ़िया एस टी एम एल एस टी एम एल एक मशीन जो दो ऐसे नेटवर्कों को ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन अगर जिसने क्वेश्चन पढ़ लिया ध्यान से उसको आंसर मिल गया क्योंकि ये मैंने जब आपको थ्योरी करवाई थी तो बड़ा जोर दे के बताया था इस पर्टिकुलर इसका जो आंसर है ना उसको मैंने बड़े समझाया था आपको कि एक ऐसी मशीन जो दो ऐसे नेटवर्कों को जोड़ने का कार्य करती है जिनके अलग अलग क्या है प्रोटोकॉल हैं उनको क्या कर रही है जोड़ रही है एक रास्ता इधर है एक इधर है ठीक है इनको ये जोड़ रहा है क्या कहलाएगा फटाफट से बताएंगे जब जल्दी से कमेंट करना यस बहुत ही लाजवाब बहुत ही लाजवाब जो साथ ही एक के साथ जा रहे हैं गेटवे के साथ जा रहे हैं मैंने बता, बताया भी था वहां पे आप लोगों को स्पेशली जोड़ देखिए ठीक है अब ये देखो बस ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान रख लेना सिंपल था गेटवे है ता भाई गेट वे है बिल्कुल बहुत बढ़िया लाजवाब चलिए आगे बढ़ते हैं ईमेल का संक्षिप्त नाम क्या है ईमेल का शॉर्ट नेम क्या है इलेक्ट्रॉनिक मेल सॉरी ई मेल का हा ईमेल जो है उसका संक्षिप्त नाम क्या है संक्षिप्त क्यों पूछ रहा है भाई ये तो आ, कुछ शॉर्ट खैर शायद कुछ क्वेश्चन में मुझे मिस्टेक लग रही है लेकिन आप समझ जाओ ये पूछा जो ईमेल है इसका हम क्या बोलते हैं है ना शॉर्ट नेम ऑफ ईमेल मेल शॉर्ट नेम नहीं होना चाहिए यहाँ पे ना थोड़ा लॉन्ग नेम होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मेल है एक्स्ट्रा मेल है या फिर एनहांस मेल है या फिर नन ऑफ द दू जल्दी से सभी साथी आंसर करेंगे सभी साथी फटाफट से आंसर करेंगे बहुत ही बढ़िया है ना इलेक्ट्रॉनिक मेल है ना इलेक्ट्रॉनिक मेल है इलेक्ट्रॉनिक मेल है ग्रेट ग्रेट भाई शॉर्ट नेम हाँ, तो तो ऑलरेडी वो है वही तो ना, वही ना चीज ये पूछ सकते थे कि से जो है ये ऑप्शन दे कि या फिर इसका शॉर्ट नेम क्या होगा ना ये तो पूछ सकते थे चलिए फिर दोबारा से आएगा कि हमारा आईएसपी आईएसपी किसका संक्षिप्तीकरण है आईएसपी क्या है इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रोसीजर है या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है इंस्टेंट सर्विस प्रोटोकॉल है क्वेश्चन नंबर है फोर्टी एट सोमा का आंसर आया है डी यस yes, बहुत ही अच्छा ठीक है परफेक्ट भाई लाजवाब जो साथी हमारे सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है भाई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा है ना आई एस मतलब जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है दैट इज कॉल क्या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ठीक है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बहुत बढ़िया सी वाले सभी परफेक्ट थे एफ कई बार बता दिया आप लोगों को ठीक है वॉट इज एफ टी पी फॉर ठीक है, यानी एफ किसका संक्षिप्त रूप है जो एफ है ये किसका संक्षिप्त रूप है ये सही लिखा है क्वेश्चन बिल्कुल यह क्वेश्चन बिल्कुल सही लिखा है ठीक है बताएंगे फटाफट से सभी साथी कमेंट करके फुल टेक्स्ट प्रोसेसिंग का है फाइल ट्रांसफर प्रोग्राम है फाइल ट्रांसफर प्रोसेस है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ंड्रेड में से हंड्रेड सबके सही जाना चाहिए वाला क्वेश्चन किसी गलत नहीं होना चाहिए एफ बोले तो क्या फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ठीक है क्या करेगा एक सिस्टम से डेटा फाइल को दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर करता है ट्रांसफर वर्ड आ रहा है समझ जाना बस ठीक है बहुत बढ़िया लाजवाब लाजवाब टेलनेट आ गया भैया ये टेलनेट क्या है एक टेलीफोन नेटवर्क है एक टेलर नेटवर्क है या फिर रिमोट लॉग के लिए मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल है डायलॉग प्रोग्राम है फटाफट से बताएंगे टेलनेट के बारे में ठीक है सभी साथी इसका आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर है 50 देखो आप लोग ना क्या आप लो आंसर जरूर मेंशन किया करो अगर आप लोग आंसर मेंशन नहीं करोगे तो क्लियर मालूम चल पाते किसका आप लोग आंसर कर रहे हो चलिए सी आंसर आ रहा है डी आंसर आ रहा है ए आंसर भी आ रहा है डी आंसर भी आ रहा है सी भी आ रहा है इतना खतरनाक क्वेश्चन आ गया यस yes. आप देखो अब बात एक बार समझ लो भाई यही होता है यही होता है देखो कुछ बच्चे एक मिनट रुकना ना एक मिनट रुकना एक सेकेंड चलो भाई आ जाओ आ जाओ फटाफट से अब देखो कुछ लोग बोल रहे हैं कि डायलॉग प्रोग्राम है भाई ये टेलनेट पूछ रहा है टेलनेट डायलॉग प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं है टेलनेट किसने बोल दिया कि डायलॉग प्रोग्राम है टेलनेट सिंपल सी बात टेल और नेट है ना एक टेलीफोन नेटवर्क है टेलीफोन नेटवर्क है हिंट तो सब कुछ यहाँ पे थी देखो टेल मतलब क्या हो गया टेलीफोन और नेटवर्क टेलीफोन नेटवर्क होता है टेलनेट ठीक है ध्यान दीजिएगा सभी साथी ए वाला जो शायद दो आंसर मुझे सही मिले थे देखने को दो लोगों ने शायद सही आंसर किया था चलिए देखो लैन पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था बता दो लैन पढ़ाया था बस लैन की फुल फॉर्म पूछ रहा है और मैंने यही बोला था कि लैन मैन बैन कैन पैन सैन जितनी भी चीजें इनकी फुल फॉर्म याद रखना मैक्सिमम क्वेश्चन इनकी फुल फॉर्म से पूछ जाएंगे मैक्सिमम क्वेश्चन इनकी फुल फॉर्म से आएंगे तो इस बात का सभी साथ ध्यान रखेंगे लैन का पूर्ण रूप क्या है लोकल एरिया नेटवर्क लॉजिकल एरिया नेटवर्क लास्ट एरिया नेटवर्क या फिर कुछ भी नहीं सबसे बढ़िया आंसर है क्या लोकल एरिया नेटवर्क है बहुत अच्छे से पढ़ रखा है आप लोगों ने अब देखो जब थ्योरी कर ली तब कितना मजा आ रहा तुमको इनका आंसर करने में ठीक है चलिए इंटरनेट एक्सप्लोर किसके अंतर्गत आता है ब्राउजर के अंतर कंपाइलर ऑपरेटिंग सिस्टम आईपी एड्रेस बताइए फटाफट से सभी साथी अच्छा एक क्वेश्चन और पूछा गया था यहां से मुझे एक बार पहले उसका तो उसका आंसर कर दो फिर ये बताना है जो कंपाइलर होता है कंपाइलर क्या काम करता है कंपाइलर क्या काम करता है ये आंसर और कर देना सभी साथी कमेंट में ठीक है इसका आंसर क्या है इसका आंसर तो क्या है ब्राउजर है इसका आंसर क्या है ब्राउजर है ठीक है अब ये जो कम देखो ऑपरेटिंग सिस्टम आप सब लोग जानते हैं आईपी एड्रेस भी सब लोग जानते हैं कंपाइलर क्या काम करता ये फटाफट से मुझे बता दो कि मैंने कंपाइलर आपको करवा दिया है कंपाइलर मैंने करा दिया है कंपाइलर करता क्या काम है फटाफट से सभी साथी बताएंगे इसका आंसर राइट आंसर तो क्या हो जाएगा ए ब्राउजर अब कंपाइलर का वर्क क्या रहता है वो बताएंगे ठीक है चलिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर कौन सी भाषा को परिवर्त कौन सी भाषा को चेंज करता है गुरुबानी अच्छा प्रयास किया डन इथरनेट को निम्नलिखित के संबंध में प्रोटोकॉल्स का एक परिवार कहा जाता है किसका परिवार लैन का परिवार इंटरनेट का परिवार एक्स्ट्रा नेट का परिवार या फिर इसमें से किसी का भी परिवार नहीं कहा जाता इथरनेट ठीक है जल्दी से सभी साथ ही कमेंट करके बताएंगे मशीनी भाषा बहुत ही अच्छे परफेक्ट भाई Yes, machine language बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया परफेक्ट परफेक्ट क्वेश्चन नंबर है फिफ्टी थ्री फिफ्टी थ्री आंसर रोकने नहीं चाहिए देखो अब आप लोग क्या कर रहे हो ठीक है आप लोग क्या कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो सही ठीक है सोचो समझो आराम से विचार करो और देन उसके बाद आंसर करो ठीक है कुछ लोग सी के साथ जा रहे हैं कुछ लोग ए के साथ भी जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई थोड़ा सा क्वेश्चन अगर ये गलत मत करना ये जो इथरनेट है ठीक है इथर, जो हैट है रिलेटेड है किससे हमारा लैन के साथ जो लैन है ना लैन के साथ रिलेटेड है सी वाला बिल्कुल भी आंसर करेक्ट नहीं है जो जो साथ ही ए के साथ जा रहा है एकदम तो परफेक्ट आंसर है भाई ठीक है ध्यान रखना इन चीजों का अब जो जो क्वेश्चन यहाँ से गलत हो रहे हैं इथरनेट का कनेक्शन लैन के साथ है ऐसे करके इनको आपको लोगों को याद रख लेना है मैन मैन आ गया देख लो भाई ठीक है क्वेश्चन बहुत बड़ा है क्वेश्चन बहुत बड़ा है खुद बता दिया कि मैन होता क्या है इन्होंने पूरे क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी बता दिया कि मैन क्या होता है आपसे ये पूछ रहा है कि मैन की फुल फॉर्म क्या है मैन है क्या इन्होंने खुद ही बता दिया क्वेश्चन में मैन क्या है इन्होंने खुद बता दिया आपसे मैन की क्या पूछ रहा है फुल फॉर्म पूछ रहा है बस सिंपल ठीक है चलिए गलत नहीं करेगा कोई भी क्योंकि ये सब हमने जो बच्चे मैराथन क्लास कर रखी हैं तीनों क्लास लगा रखी हैं उनको मालूम है ठीक है उनको मालूम है कि सब कुछ मैंने करवा दिया आपको. Network, है आपको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ठीक है मेट्रोपॉलिटन अब ये होता क्या है उन्होंने खुद ही बता दिया यहाँ पे आगे बढ़ते हैं फटाफट से चलिए ऐसे कंप्यूटर नेटवर्क थोड़ा सा क्वेश्चन एडवांस लेवल का ये है ना ऐसे कंप्यूटर नेटवर्क जिनमें कनेक्शन भौतिक तारों की बजाय भौतिक तारों की बजाय नोड्स के बीच कुछ लिंकों के परस्पर मुक्त कनेक्शन के रूप में या फिर बड़े नेटवर्क जैसे कि इंटरनेट में आभासी सर्किट होते हैं उसके लिए निम्नलिखित में से कि शब्दावली का प्रयोग किया जा सकता है ठीक है जल्दी से एक बार सोचिए समझिए विचार करिए क्वेश्चन नंबर है फिफ्टी आंसर क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन क्या करो ऑप्शन के साथ 55 का बी 50 फिफ्टी uh, का बी फिफ्टी फाइव का बी सोमा का आंसर ए आ रहा है चौधरी साहब सी बता रहे हैं स्वीटी का आंसर बी आ रहा है रेनू का आंसर ए आ रहा है शिवानी का आंसर ए आ रहा है ए आ रहा है संस्कृतम क्या बात है भाई मान गए बाकी में ठीक है

किसी भी निजी संगठन का भाग नहीं है मतलब निजी नेटवर्क का भाग नहीं है लेकिन आम जनता के लिए अवेलेबल नहीं है ठीक है तो इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है मतलब सिंपल सी बात ये पूछ रहा है कि ऐसा इंटरनेट भैया जो आ, क्या है कि आम जनता के लिए यूज में नहीं लाया सकता क्या कहलाता है सिंपल सी बात है ना ये तो कौन भैया इंटरनेट तो हम यूज करते हैं अमित ये क्यों होगा इंटरनेट को तो हम यूज करते हैं जो आम जनता के लिए अब नहीं। वो इंट्रानेट होता है इंट्रानेट होता है ध्यान रखना इंटरनेट को तो हम लोग यूज करते हैं है ना इंट्रानेट हम लोग यूज नहीं करते हैं ना इंटरनेट नहीं होगा बी वाला आंसर एकदम परफेक्ट ध्यान रखिएगा इंट्रानेट जो है ये आम जनता के लिए अवेलेबल नहीं होता है क्वेश्चन नंबर आ जाओ सेवन कौन सा प्रोटोकॉल एक वेब पेज के दूसरे वेब पेज के वेब पेज से लिंक को सुगम बनाता है ध्यान से पढ़ना एक बार कि कौन सा प्रोटोकॉल ऐसा है जो एक वेब पेज के दूसरे वेब पेज से जो लिंक है उसको सुगम बनाता है एस है आई है एच है एफ है ऐसा क्वेश्चन अभी हुआ है थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन हुआ है थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है ना क्वेश्चन को एक बार समझना कि वो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और ये मैंने करके भी दिखाया था आप लोगों को यस सबसे पहला आंसर आ चुका है बहुत ही बढ़िया लेकिन ंसर सबके अलग अलग आ रहे हैं देखो ध्यान दीजिएगा एक वेब पेज से दूसरे पेज को सुगम बना रहा है ये क्या कहलाता है ये हमारा भैया एच कहलाएगा एच कहलाएगा एस कहलाएगा, HTTP कहलाएगा। ये मैंने आपको दिखाया भी था वहाँ पे अभी ओपन करके ठीक है तो जो साथी सी के साथ एस टी एम एल का तो, देखो HTML टी एम एल तो हमारा पेज डिजाइन करने का समझो एक बात को जो ही ए के साथ जा रहे हैं एस टी एम एल तो बैपिज डिजाइन करने का एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से लिंक कर रहा है तो लिंक करने का काम कौन करेगा एस टी टीपी करेगा एस टी एम एल तो क्या करेगा एस टी एम एल का काम बैपेज डिजाइन करना है ठीक है सो देट इज द रीजन ऑप्शन नंबर जो सी है भाई ये परफेक्ट आंसर था किसी भी यू का पहला भाग किसी भी यू का पहला भाग जो बैव संसाधन बैव संसाधन का उपयोग करने को संभव बनाता है उसको क्या कहा जाता है पता नाम स्थान प्रोटोकॉल वॉट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एनी यू आर एल दैट मेक्स इट पॉसिबल टू एक्सेस अब रिसोर्स कॉल्ड बताइए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट अमित का आंसर सबसे फास्ट डी शिवानी का आंसर आप लोग प्लीज प्लीज क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन क्या करो क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन क्या करो ए आंसर आ रहा है सी आंसर आ रहा है ए आंसर आ रहा है ए आंसर आ रहा है ए आंसर आ रहा है भक्ति साधना प्रोटोकॉल केवल दो आंसर करेक्ट हैं ठीक है ओनली टू ऑप्शन आर करेक्ट तो ये क्वेश्चन बताता है क्वेश्चन ये हलुआ क्वेश्चन नहीं था है ना यस मनोज का भी परफेक्ट है पूजा का भी परफेक्ट है बहुत बढ़िया प्रोटोकॉल होगा भाई पता भी नहीं है नाम भी नहीं है स्थान भी नहीं है प्रोटोकॉल होता है ध्यान प्रोटोकॉल हो प्रोटोकॉल, ध्यान सभी साथी। कौन सा शब्द वेब पर उपलब्ध किसी भी दस्तावेज के पते को दर्शाता है ये पता ध्यान रख लेना पेपर में भी तुम्हें यह पता याद आएगा ध्यान रखना ये पता तुम्हें पेपर में भी याद आएगा कि मैंने क्या बताया था जहां पे पता आ जाए वहां पे बस एक चीज ठोक देनी है तुम्हें जहां पता दिख जाए वहां पे बस एक चीज ठोक देना कभी गलत हो नहीं सकता वो ठीक है चलिए पता आ गया क्या लगाएंगे यू आर एल लगाएंगे ठीक है कुछ सोचने वाली बात ही है नहीं ठीक है बस ऐसे काम करना है ऐसे काम करना है यू आर हो जाएगा सही आंसर हार्डवेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संयोजन से बने उपकरण जो कि विभिन्न प्रोटोकॉल के अंतर्गत चल रहे नेटवर्कों में परस्पर संबंध स्थापित करते हैं उनको क्या बोलते हैं ध्यान दीजिए हार्डवेयर और प्लस सॉफ्टवेयर इनके संयोजन से है ना इनके कॉम्बिनेशन से बने ऐसे उपकरण जो विभिन्न प्रकार के जो प्रोटोकॉल हैं उसके अंतर्गत चल रहे नेटवर्कों में परस्पर संबंध ध्यान देना मैंने अभी समझाया था अलग अलग चीज है अब इसमें ये परस्पर क्या कर रहे हैं संबंध स्थापित कर रहे हैं क्या कहलाएंगे क्या कहलाएंगे सभी साथी फटाफट से इसका आंसर करेंगे जो, जो भी साथी क्लास में देखो तो आंसर सब करिए चाहे गलत करो चाहे सही करो सभी साथियों का आंसर आना चाहिए एक काम करो इसको हटा दो वरना तुम गलत कर दोगे इसको हटा दो वरना गलत कर दोगे तुम इसकी इसकी फिर आप ना इसका एक्सप्रिय तो गलत ले जाओगे ठीक है चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है अभी देखो हिंट मैंने आपको दे दी थी हिंट अभी मैंने प्रॉपर दी थी आप लोगों को हिंट मैंने अभी प्रॉपर दी थी आप लोगों को सिंपल सी देखो आ, क्या कहलाएगा ये कहलाता है हमारा गेटवे ठीक है ये मैंने समझाया था भी आप लोगों को क्या क्या लगेगा गेट क्या लगेगा बहुत सिंपल था संयोजन की बात हो रही थी है ना परस्पर संबंध स्थापित कर रहा है मतलब चीजें आपस में जुड़ रही हैं कनेक्ट हो रही हैं ठीक है गेट हो जाएगा करेक्ट आंसर गेट हो जाएगा गेट ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से देखो प्रोटोकॉल की अगर हम जब बात करते हैं प्रोटोकॉल जैसे कोई सिंगल वर्ड नहीं है प्रोटोकॉल ठीक है

क्या बोल रहा है यूनिवर्सल सीरियल बस बहुत ही बढ़िया जो साथ ही सी के साथ जा रहे हैं लाजवाब है, एकदम बढ़िया एकदम परफेक्ट भाई यूनिवर्सल सीरियल बस हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस ठीक है आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से विकल्प इंटरनेट की हार्डवेयर आवश्यकताओं को दर्शाता है इंटरनेट की हार्डवेयर आवश्यकताओं को दर्शाता है मॉडर्म है हब है ब्रिज है ये रूटर नहीं होगा राउटर होगा है ना ये क्या होगा राउटर होगा राउटर होगा ये ठीक है राउटर होगा गेटवे ठीक है चलो फटाफट से बताओ और ये मैराथन क्लास याद कर लो मैराथन क्लास याद कर लो खूब अच्छे से मैराथन क्लास याद कर लो खूब बताया है मैंने जिन लोगों ने मैराथन क्लास करी उनको सबको मालूम होगा ठीक है ऑप्शन दे रखे हैं आपको बड़ा आसान क्वेश्चन है ठीक है है बड़ा आसान क्वेश्चन फटाफट से बता दीजिए डी आंसर आ रहा है कुछ बच्चे सी के साथ जा रहे हैं बाकी सभी डी के सी और डी की लड़ाई चल रही है भाई सी और डी की लड़ाई चल रही है सी क्या बोल रहा है पहला यानी मॉडर्न चौथा जो बच्चे सी के साथ जा रहे हैं ना सच बता रहा हूं जो भी साथी हमारे ऐसे हैं जो सी के साथ जा रहे हैं जो साथी अगर सी ऑप्शन को टिक कर रहे हैं या फिर मान लो वो ए ऑप्शन को टिक कर रहे हैं उन्होंने मैराथन क्लास नहीं देखी है मैं एक बार पहले एक मिनट रुक जाइए है ना एक सेकंड रुकना तुम लोगों को एक चीज दिखा देता हूं पहले मी अ मिनट ठीक है एक मिनट दीजिए बस खास करके एन वालों बच्चों अगर तुम ऐसी गलती कर रहे हो तो देख ना फिर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अब देखो आप लोगों के प्यार और सहयोग से बहुत जल्दी हम हमारा जो परिवार है ना ये थ्री के हो जाएगा ठीक है बहुत जल्दी थ्री के हो जाएगा ये वाला परिवार हमारा अब आपको आना है कहाँ पे इस प्ले लिस्ट में ठीक है ध्यान देना सभी बच्चे इस प्ले लिस्ट में आना है आई सी टी की प्ले लिस्ट बनी हुई है इस पे करना है क्लिक ठीक है आई सी टी की प्ले लिस्ट आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मिलेंगी आपको ये क्लास देखने को इधर आ जाओ ठीक है ये मैराथन क्लास है तीन मैराथन क्लास हो चुकी है मतलब ये क्लास एक घंटे की हुई थी मैराथन का मतलब ये था कि इसको लंबा कराना था एक क्लास में खत्म कराना था मुझे सारा लेकिन हुआ क्या था न, आ, लाइट का दिक्कत था तो एक क्लास में पूरा नहीं हो पाया तो एक घंटा पांच मिनट की पहली क्लास है ये उसके बाद चौथे नंबर पे है दो घंटा बारह मिनट की और तीसरी क्लास है एक घंटा डेढ़ मिनट की ये क्लास होनी थी एक ही क्लास में एक सिंगल क्लास में होनी थी बट लाइट की वजह से पूरा नहीं हो पाया तो आप सभी साथी तीन चार और पांच नंबर वाली क्लास को जरूर देख लेना सारी बातें करवाई थी अब जिन्होंने पूरी क्लास अटेंड करी होगी भाई मेरे एक बात बताओ मैंने वहां पे आपको मॉडर्म भी पढ़ाया है ठीक है मैंने वहां पे आपको हब भी पढ़ाया देख लेना क्लास को मॉडर्म पढ़ाया है हब पढ़ाया ब्रिज भी पढ़ाया था और मैंने आपको राउटर भी पढ़ाया था मैंने आपको गेट भी पढ़ाया था ये सारी चीजें करवाई थी ये सारी चीजें बताई थी मैंने एक एक करके मॉडर्म क्या होता है ये भी समझाया था हब क्या होता है ये भी समझाया था ब्रिज क्या है ये भी बताया था राउटर क्या है ये भी समझाया था गेटवे क्या है ये भी समझाया था तो अगर इस आंसर को आप ए या फिर कुछ और कर रहे हो तो इसका मतलब ये कि आपने वो वाली क्लास नहीं देखी है और अगर नहीं देखी तो प्लीज देख लेना ठीक है ये सारे हैं तो हमारे पास ऑप्शन ऑप्शन क्या है है नंबर डी पहला भी सही है, दूसरा भी सही सही तो दूसरा तो काम नहीं बनने वाला ये चीज ध्यान रख लेना निम्नलिखित से सर्वप्रथम किस नेटवर्क आधारित पर ईमेल का आदान प्रदान किया गया था यह भी आसान क्वेश्चन है बता दीजिए फटाफट से यस yes, पूजा प्लीज देख लीजिए है ना जिन्होंने भी नहीं देखी है प्लीज बोल रहा हूँ देख लीजिए क्योंकि सिंपल सी बात है अगर आप क्लास वो नहीं देखोगे क्योंकि थ्योरी वाली क्लास बहुत जरूरी है थ्योरी क्लास बहुत बहुत जरूरी है टू पे देख लो थ्री पे देख लो टाइम की दिक्कत है और एन टी वाले बच्चों को तो ध्यान दो परसों तुम्हारा एग्जाम में कब देखोगे फिर परसों तुम्हारा एग्जाम में फिर कब देखोगे बताओ चलिए या, अभी पता है सबसे पहला जब इंटरनेट की हम बात करते हैं तो अर्पानेट की बात आती है बहुत सिंपल सी बात तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा ए बहुत बढ़िया लाजवाब ठीक है लाजवाब भाई लाजवाब परफेक्ट आगे बढ़ते हैं फटाफट से और कल ऊपर से, से मैं आप लोगों को कम से कम तीन से चार क्लास रिकॉर्डेड देने वाला हूं कल तीन से चार क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी तो आप लोग ध्यान रखिए ठीक है, है क्रम दूरी पर क्रम नहीं वो कम होगा ना कम है भाई कम दूरी पर स्थापित यंत्रों के मध्य बिना तार के डेटा स्थानांतरित करने के लिए किस प्रोटोकॉल शब्द का प्रयोग किया जाता है हाँ, अच्छा इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करेंगे क्वेश्चन बड़ा मस्त है एकदम क्वेश्चन बहुत बढ़िया है परफेक्ट है एक मिनट और रुक जाना है ना एक मिनट रुक जाना फटाफट से आंसर कर दो बस आ जाओ आ जाओ आ जाओ मैं आ गया आवाज आ रही है ना <laughs> कोई बात नहीं कोई बात नहीं यही होगा पता है देखो अगर सौ बच्चे इसका आंसर करेंगे ना तो सौ बच्चे इसका आंसर करेंगे तो सौ बच्चे में से कम से कम बता रहा हूं नब्बे बच्चे ना नब्बे बच्चे सी के साथ ही जाएंगे नब्बे बच्चे भी सी के साथ ही जाएंगे इसका ठीक है लेकिन नहीं ठीक है ब्लूटूथ करेक्ट है भाई ध्यान देना ठीक है ब्लूटूथ करेक्ट होगा बाईफाई करेक्ट नहीं है ठीक है यस यही था कुछ बच्चों ने सही एकदम परफेक्ट आंसर किया था कुछ बच्चों ने एकदम परफेक्ट आंसर किया था बहुत ही बढ़िया जो बच्चे बी के साथ गए एकदम बहुत बढ़िया आंसर था ठीक है ना वाईफाई नहीं होगा ये बोल रहा है कि कम दूरी पर स्थापित यंत्रों के मध्य बिना तार के डेटा है ना बिना तार के डेटा स्थानांतरित करने के लिए किस प्रोटोकॉल शब्द का प्रयोग किया था अब एक बात बताओ मुझे एक बात समझो यहाँ पे आप लोगों ने डेटा को गूगल डेटा समझ लिया है ना आप लोगों ने जब हम डेटा की बात करते हैं भाई डेटा तो कुछ भी हो सकता है मान के चलो अगर मुझे अपने फोन से ठीक है कोई फोटो भेजना है ठीक है मुझे अपने फोन से कोई फोटो भेजना है ठीक है पहले तो इतना इंटरनेट नहीं था तो लोग कैसे भेजते थे पास में किसी का ब्लूटूथ कनेक्ट करके ब्लूटूथ से भेज देते थे तो डेटा का मतलब वही मत समझो कितना एमबी कितना जीबी तुम लोगों ने डेटा की गलती पता है क्या कर दी डेटा बस दिन हमारे दिल और दिमाग में बस वही वाला डेटा बस गया कि मेरा डेटा खत्म हो गया है ना डेट मेरे एम भी उड़ गए मेरा पूरा डेटा डेटा खत्म हो गया ये जो हमारे फोन में जितना भी स्टोरेज है जितना भी फोन वीडियो फोन में जितना फोटोज हैं वीडियो है थे, ये सब क्या वो भी तो डेटा ही है भाई तो भाई तो आपसे पूछ रहा था कि कम दूरी पर है ना म, बिना तार के अगर एक तो होता है कि आपने क्या किया पेन ड्राइव से या फिर डेटा केबल से क्या कर दिया डेटा ट्रांसफर कर दिया ठीक है कर दिया कि नहीं कर दिया लेकिन उसको। है? अगर जीबी पर डे या टू जी पर डे तो क्योंकि हमारे दिमाग में क्या गुस्सा ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है हमारा दिमाग सोचता उसी को है बस है न? और कितनी बड़ी गलती यहाँ पे कर दी और ऐसा नहीं था अगर ये मैं बात आपको पहले यहाँ पे क्लियर कर देता

आई एस डीएन आईएसडीएन का अर्थ क्या है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क इंटेलिजेंट सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क इंडिविजुअल सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क इमेज सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क ठीक है चलिए फटाफट से सभी साथ ही करेंगे आंसर बहुत बढ़िया ठीक है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क ये फुल फॉर्म जरूर याद रख लेना ठीक है फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा निम्नलिखित में से वेब ब्राउजर कौन है वेब ब्राउजर कौन सा है इंटरनेट एक्सप्लोरर है मोजिला फायरफॉक्स है ओपेरा है सफारी है बताइएगा फटाफट से क्वेश्चन नंबर है सिक्सटी क्वेश्चन नंबर है सिक्सटी ठीक है सभी को आंसर करना है क्वेश्चन नंबर है सिक्सटी यस yes. देखो सारे ही हैं है ना एक्सप्लोरर भी है फायरफॉक्स भी है सफारी भी है और ओपेरा भी है ये सारे ही हैं तो राइट right आंसर क्या होना चाहिए उपरोक्त सभी होना चाहिए, ना? सभी चाहिए? Yes. है ना उपरोक्त सभी होना चाहिए यस ठीक है चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आगे आ जाओ फटाफट से अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है निम्नलिखित मैसे डॉट कॉम डॉट ओ आर जी डॉट नेट किस रूप में लोकप्रिय है टॉप लेवल डोमेन है टैक्स लेवल डोमेन है टेरिफिक लेवल डोमेन है या फिर कुछ भी नहीं है अमित आपने क्लास नहीं करी क्या अमित क्लास नहीं करी थी क्या कितने आसान वे में समझाया था मैंने क्लास करी देखो सबसे बड़ी पता गलती आप लोग क्या करते हो सबसे बड़ी बस गलती यही करते हो कि मैं, मैं क्या बोलू मैं आपको ना एकदम कंटेंट वही कंटेंट करवा रहा हूं जो एग्जाम ओरिएंटेड है ठीक है जो एग्जाम ओरिएंटेड है ठीक है अब बहुत, मतलब बहुत कंट्रोलिटे केवल एक अगर आप क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो केवल सीयू वाला पार्ट नहीं छूटेगा बहुत सारा पार्ट देखो सी यू कराया था मैंने आपको मैं, देखो मैंने सबसे पहले बताया था आपका एएल यू ठीक है और एएलू से पहले इसको ऐसे समझो मैंने आपको समझा था क्या सीपीयू ठीक है सीपीयू समझा तो सीपीयू के अंतर्गत हमने ये तीन पार्ट डिस्कस किए थे सीपीयू के अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा था हमने ए पढ़ा था ठीक है हमने क्या पढ़ा था हमने सी पढ़ा था और इसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था मेमोरी पढ़ा था ठीक है ना ये तीन पार्ट हमारे सीपी के अंदर हमने पढ़े थे तो अगर आप वो क्लास नहीं अटेंड करोगे तो केवल सीयू मिस नहीं करोगे ठीक है ये सब कुछ मिस कर जाओगे तो प्लीज मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ क्लास जरूर देख लेना ठीक है क्लास जरूर देख लेना इसका आंसर क्या आ गया आंसर ए जो साथी ए के साथ जा रहे हैं टॉप लेवल डोमेन है भाई टॉप लेवल डोमेन अगर तुम इस प्रकार के डोमेन को परचेज भी करते हो ना डॉट कॉम जैसे को तो इसका प्राइस बहुत हाई रहता है इसका प्राइस बहुत हाई रहता है ध्यान रखेंगे सभी साथी ठीक है चलिए एक कंप्यूटर के अनूठे संख्यात्मक पते है ना अब देखो अब यहाँ थोड़ा सोचना भाई यहाँ पे ये यह मत सोचना कि सर ने पता बोल दिया थोड़ा सा सोचना पड़ेगा यहाँ पे ठीक है ना एक कंप्यूटर के अनूठे संख्यात्मक पते जैसे कि 150.237.176.24 को क्या कहा जाता है ठीक है चलो अब यहाँ पे ये गलती मत करना कि सर ने तो पता बोला था लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे सोचना पड़ेगा आपको ना थोड़ा सोचना पड़ेगा ठीक है इंटरनेट प्रोटोकॉल पता है यू है आई है या फिर इसमें से कोई नहीं है यस yes, बहुत ही बढ़िया लाजवाब ठीक है ये क्या था देखो पहले ये हमारा ये चलता था अगर आपने देखा होगा कि पहले जो आ, अभी जैसे आपको वेबसाइट देखने को मिल जाती है कि डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट टीचर्स अचीव डॉट कॉम ठीक है पहले ये नहीं हुआ करता पहले इस तरह का हमारा यू हुआ करता था इस टाइप से ठीक है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आईपी एड्रेस ठीक है address, इंटरनेट प्रोटोकॉल पता इंटरनेट प्रोटोकॉल पता ध्यान देंगे सभी साथी ए वाला आंसर एकदम परफेक्ट था इसका ठीक है चलिए अब इधर आ जाओ फटाफट से निम्नलिखित प्रतीकों में से कौन सा ईमेल पते में उपयोगकर्ता के नाम को आई पते से अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ठीक है सभी साथ ही करेंगे फटाफट से आंसर ठीक है जल्दी से बता दो जल्दी से बता दो क्या करेक्ट होगा ये गलत मत करना कोई राजविंदर क्या कर रहे हो रजविंदर कौर मनोज सेवेंटी वन सेवेंटी वन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन डॉलर नीलू भाई ओ माय गॉड क्या करो दोबारा पढ़ो दोबारा पढ़ो रिलैक्स होके पढ़ो कि निम्नलिखित कुछ यहां पे आपको सिंबल्स दिए गए हैं है ना इनमें से कौन सा जो ईमेल पता है ईमेल पते में है ना ईमेल पते में उपयोगकर्ता के नाम को जो उपयोग है जो यूजर है उसके नाम को है ना आईएसपी पते से अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है एट द रेट होता है भाई एट द रेट होता है ठीक है जैसे आपने पढ़ा होगा ना चेतन राज राजन टू थ्री एट द रेट जी मेल टीचर के अंदर एट द रेट आता है बहुत विश्वविख्यात है ये वाली बात तो गलत कैसे कर रहे हो निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग एक ही समय पर एक बड़े समूह को ईमेल भेजने के लिए किया जाता है लिस्ट सर्वर है भाई ग्रुप है ग्रुप बेयर है या फिर मेल सर्वर है सोचेंगे समझेंगे विचार करेंगे और आंसर करेंगे ठीक है जल्दी से क्वेश्चन नंबर है सेवनटी टू क्वेश्चन नंबर कितना है सेवनटी टू रवि सर पूछना भाई मैथी क्लास में क्यों नहीं आते सब लोग मैथी क्लास क्यों नहीं अटेंड करते हो सारे आंसर डी आ रहे हैं क्या मेल मर्ज अलग है रीना मेल मर्ज अलग है मेल मर्ज अलग है ये मेल सर्वर है मेल मर्ज में क्या होता है मेल मर्ज तो ऑप्शन में नहीं है मेल सर्वर है भाई मेल सर्वर है ये क्या कर रहे हो तुम लोग मेल मर्ज कहां बताया था मैंने मेल मर्ज का कॉन्सेप्ट ही अलग था पूरा कॉन्सेप्ट ही लगता है मेल मर्ज का ये मेल सर्वर है मेल सर्वर है मेल मर्ज नहीं है भाई इसको गलत मत करो ये क्या होगा ये क्या होगा यस जो साथी सी के साथ जा रहे हैं है ना एक मिनट रुकना एक मिनट रुक जाना बस देखो मेल मर्ज हम कहाँ पे यूज करते थे जब वहां पे कई एक जैसा लेटर भेजना था हमको है ना जब एक जैसा लेटर बहुत सारे लोगों को भेजना होता था तब तो मेल मर्ज है ना ये तो मेल सर्वर है वैसे भी ग्रुप बेयर होता है ग्रुप क्या है कि आ, एक ही समय पर एक ही टाइम पर एक बड़े समूह को है ना वहां पे एक जैसा पत्र भेज रहे थे ठीक है एक बड़े समूह को ईमेल भेजने के लिए जो किया जाता है दैट इज ग्रुप बेयर दैट इज कॉल क्या ग्रुप बेयर होगा भाई ग्रुप बेयर होगा ध्यान रखेंगे सभी ठीक है चलिए आगे बढ़े फटाफट से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति ईमेल संदेश का संक्षिप्त वर्णन करती है देखो आराम से पढ़ना सोचना समझना क्वेश्चन में क्या कह रहा है अगर क्वेश्चन समझ गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है आ, नहीं नहीं सर बस अभी ज्यादा नहीं क्वेश्चन ये हो गए ठीक है आज इतना ही करवाऊंगा आज इतना ही करवाऊंगा ठीक है ना ज्यादा नहीं शायद दो तीन दो क्वेश्चन और बचे हैं इसके बाद ठीक है कल दिन में मैं, मैं रिकॉर्डिंग जो है अभी इस क्लास के बाद रिकॉर्डिंग करके रख लूंगा भाई आप लोगों के लिए कल तक आपको सारी रिकॉर्डिंग जो मिल जाएंगी ठीक है कल तक सारी रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी ये बस इतने इस पर एंड करूंगा इसको तो कौन सी पंक्ति जो है ईमेल संदेश का संक्षिप्त वर्णन करती है देखो ये तो ऐसा समझ लो कि आपने स्कूल टाइम में एप्लीकेशन लिखा होगा ना एप्लीकेशन लिखा होगा बीमारी के लिए छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखा था ना वहाँ पे एक लाइन आप मेंशन करते थे क्या सब्जेक्ट वाली सब्जेक्ट वाली लाइन हम लोग मेंशन करते थे उस एप्लीकेशन में तो ये ई एक तरीके से क्या है ईमेल एक तरीके से पत्राचारी तो है भाई कम्युनिकेशन का ही माध्यम तो है तो वहां पर हम जो सब्जेक्ट मेंशन करते थे सब्जेक्ट में हम लोग जितना भी हमने रामायण लिखी जितनी भी हमने रामायण लिखी उस पूरे एप्लीकेशन में क्या हुआ कैसे हुआ कब हुआ क्यों हुआ कहाँ हुआ वो सारी रामायण का

कमर्शियल फटाफट से कमर्शियल जो जो है? है, मतलब होती, है, है? होती है उनके लिए कौन से वर्ड का यूज होता है ठीक है कौन से वर्ड का यूज होता है जंक का रूमोर का रूमर्स होनी रूमोर नहीं है रूमर रूमर होती है ना अफवाह जिसको बोलते हैं तो रूमर्स है ये स्पैम है या फिर हाइपर टेक्स्ट है फटाफट सभी साथ ही कमेंट करेंगे सेवेंटी फोर का डी कौन आंसर कर रहा है अमित नहीं अमित देखो अपना मेल बॉक्स मेल आई डी सबकी होगी अपनी मेल आई डी चेक करना ठीक है आपकी मेल आई डी में चेक करने का आपका इनबॉक्स करके आएगा ठीक है और एक क्या आएगा आपका स्पैम बॉक्स कभी कभी कोई मेल जब हमको आना होता है और वो अनऑथराइज होता है तो वो हमारे स्पैम बॉक्स में चला जाता है, है ना स्पैम बॉक्स में चला जाता है तो ये होता है स्पैम होता है ठीक है ना स्पैम कहलाएगा स्पैम यस परफेक्ट भाई जो साथी सी के साथ जा रहे थे वो करेक्ट है शायद एक क्वेश्चन और बचा है इसके बाद एक मिनट लेट मी चेक तीन क्वेश्चन है अभी तीन क्वेश्चन है निम्नलिखित में ऐसे किसको प्रायः इंटरनेट का सीबी कहा जाता है इंटरनेट का सीबी कौन है इंटरनेट का सीबी किसे कहा जाता है आईआरसी को कहा जाता है भाई एफटीपी को ईमेल को या फिर एसटीटीपी को इंटरनेट का सीबी ठीक है सोचेंगे समझेंगे विचार करेंगे और विचार करने के बाद ही तुम्हें क्या करना भैया आंसर करना जब तक बिना विचारे आंसर मत करना ठीक है सबको आंसर करना है डी आंसर आ रहा है कुछ लोग बी के साथ भी जा रहे हैं कुछ लोग सी के साथ भी जा रहे हैं डी 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 अब देखो समझ लो फटाफट से अब हर जगह भाई हर जगह एससी टीपी नहीं होगा ना करेक्ट हर जगह एस टी टी पी करेक्ट नहीं होगा ये पूछ रहा था कि इंटरनेट का जो सी बी है वो किसको कहा जाता है ये ध्यान रखो एक वर्ड आपने सुना होगा क्या आई आर सी ठीक है आई आर सी बोले तो क्या इंटरनेट ठीक है इंटरनेट रिले चैट इंटरनेट रिले चैट इंटरनेट रिले चैट आईआरसी मतलब क्या है इंटरनेट रिले चैट और इसको क्या बोलते हैं सीबी बोलते हैं तो फर्स्ट वाला शायद एक भी आंसर ए नहीं आया था ध्यान रखेंगे बट कोई दिक्कत नहीं है ठीक है फटाफट से क्वेश्चन पढ़ो 70... कोई बात नहीं कोई बात नहीं इसीलिए तो जो नई चीजें हैं ना वो भी हमने यहाँ पे सीख ली कम से कम ठीक है चलिए क्या पूछ रहा क्वेश्चन नंबर में में निम्नलिखित से कौन वेबसाइट पर पोस्टिंग का ध्यान रखता है ठीक इन बेप, है इनमें से कौन वेब जो वेबसाइट होती हैं वेबसाइट में जो पोस्टिंग्स होती है ना कोई चीज हमने पोस्ट कर दी उनका ध्यान रखता है और ये सुनिश्चित करता है क्या सुनिश्चित करता है कि चर्चा समूह में है ना चर्चा समूहों में वेबसाइट द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाए ठीक है जो भी दिशा निर्देश हैं, उनको फॉलो किया जाए तो कौन है वो जज है सॉप है नरेटर है या फिर सेंसर है ठीक है बताएंगे सभी साथी फटाफट से कमेंट करके बिल्कुल अभी क्लियर करता हूँ पूजा दो मिनट दीजिए बस ठीक है से अभी समझा देंगे डोंट वरी दो क्वेश्चन फिर डिस्कस कर लेते हैं ठीक है यस yes, थोड़ा तबियत का दिक्कत था खुशबू बट आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आगे सारी तबियत दूर हो गई ठीक है तो राइट आंसर नहीं मिल पा रहा थोड़ा सा एडवांस लेवल क्वेश्चन था सॉप को ध्यान रखेंगे सी सॉप जो है ये करेक्ट आंसर होगा सी सॉप जो है ये करेक्ट आंसर होगा ध्यान रखेंगे सभी साथी ठीक है एक क्वेश्चन फटाफट से पढ़ लो एक, एक मिनट रुकना है ना एक, एक मिनट रुकना चलो आंसर करो फटाफट से जल्दी से एस एस एम आई एम ई से क्या अभिप्राय है आंसर कर दिया इसका मुझे नहीं दिखा पूरा आप लोगों की चैट इतनी भर गई सारी जल्दी से बताओ यस yes. बहुत बढ़िया तुम तो होशियार हो गए सारे ठीक है सिक्योर मल्टीपरप इंटरनेट मेल एक्सटेंशन बहुत बढ़िया लाजवाब अब आ जाओ फटाफट से यहाँ पे क्या था क्वेश्चन वो अब देखो सिंपल सी बात यहाँ पे समझो इसको ये एक तरीके से कुछ नहीं था ये यह जो यहाँ पे पूछा गया था कि व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफन कॉल्ड द सीबी है ना तरीके से नॉर्मली क्या बोलते हैं जो सेंट्रल वर्ड होता है ना एक तरीके से उस मतलब कुछ इसका वैसा कुछ स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है अगर आप उसको देखो भी तो स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है तरीके से सेंट्रल वर्ड के सेंस में उसको यूज किया जाता है तो जो आईआरसी है ना जो हमारा आईआरसी होता है आ, ये पूछा था कि इंटरनेट जो है इंटरनेट का मतलब इसमें आईआरसी का मतलब यही है इंटरनेट रिले चैट ठीक है तो उस पर्सपेक्टिव में था ये तो उसको एक तरीके से सी भी बोल दिया वैसा कुछ इसका स्पेसिफिक मीनिंग इतना कुछ था नहीं ठीक है ये था बस इसमें नॉर्मली तो ये आपका इंटरनेट और कम्युनिकेशन वाला जो चैप्टर था ये हो गया भाई पूरा कंप्लीट इंटरनेट और कम्युनिकेशन ये हो गया पूरा डन और एक मिनट दीजिएगा मुझे हम्म ये सी वाले कोर्स चल रहे हैं जो भी आपके संपर्क में हो उनको जरूर बता दीजिएगा इसके बारे में और आज रात में मैं रिकॉर्ड कर दूंगा वीडियोस ठीक है आज नाइट में वीडियोस रिकॉर्ड हो जाएंगी कल आपको मिल जाएंगी ठीक है कल आपको जो है सारी वीडियो मिल जाएंगी और जो भी वीडियोस होंगी ठीक है तीन चार टॉपिक मैंने बता दिए शॉर्ट कीज की तुम लोग डिमांड कर रहे थे शॉर्ट की आ जाएंगी लैंग्वेज की बात कर रहे थे लैंग्वेज उसमें कवर होगा मतलब अलग अलग गा वीडियो दूंगा ठीक है ना टाइम नहीं वो जो वीडियो है ना रिकॉर्डेड फॉर्म में आएंगी आप उसको कभी भी देख लेना रिकॉर्डेड डालूंगा उसको है ना ताकि आप लोगों का टाइम बच जाए शॉर्ट कीज हो गया लैंग्वेज हो गया सॉफ्टवेयर हो गया ठीक है और कम्युनिकेशन एंड कोलाबोरेशन हो गया है ना कम्युनिकेशन एंड हो कोलाबोरे ये सारे हो गए ठीक है तीन से चार टॉपिक हैं तीन से चार टॉपिक हैं ताकि एन वालों का परसों पेपर है कल कल भाई पढ़ लेना टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए थोड़ा देखेंगे क्या करना है एक मैराथन तो हो चुकी है उसको देख लेना कोशिश हुई तो मैं कल एक मैराथन जो है क्योंकि ये तो पूरा कंप्लीट हो ही जाएगा आपका आईसीटी वाला पार्ट रिकॉर्डेड के माध्यम से ठीक है कल एक मैराथन जो है टीचिंग एप्टीट्यूड की आपको देखने को मिलेगी और टाइम मैक्सिमम मैं रख सकता हूँ उसको ना दो बजे के आसपास ठीक है दो बजे के आसपास रहूँगा क्योंकि तीन से चार वीडियो भी रिकॉर्ड करनी है तीन से चार वीडियो भी रिकॉर्ड करनी है हम लोगों को तो इतना टाइम लग जाएगा ठीक है हाँ कल है ना कल उसकी पहले थ्योरी करवाऊंगा थ्योरी के साथ कुछ क्वेश्चन भी उसी में इंक्लूड कर लूंगा मनोज क्योंकि देखो तो एक कॉन्सेप्ट ये है थ्योरी अगर हो जाएगी थ्योरी अगर हो जाएगी तो हम मैक्सीम क्वेश्चन कवर कर सकते हैं है ना मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर सकते हैं तो बस ये था आ, बाकी जो जेबीटी वाले बच्चे हैं उनकी तो सफिसियंट टाइम है क्योंकि परसों ही एग्जाम है एन वाले बच्चों का तो उनके लिए देखा जा रहा है बस ठीक है चलिए डन बहुत अच्छे तो फिर अभी इसको क्लोज करते हैं बाकी कल का वेट करिए कल चीजें मिल जाएंगी और भाई आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि सी वाले बैच को आप लोग प्लीज और प्लीज सपोर्ट करिए सपोर्ट इसको फॉरवर्ड करिए इसको प्रमोट करिए एटलीस्ट आपके नॉलेज में कोई तो बच्चा होगा जो सी की तैयारी कर रहा होगा ठीक है सी की जो तैयारी कर रहा होगा वो तो आपके नॉलेज में होंगे तो एटलीस्ट उनको बस थोड़ा सा आपको बोल देना है ठीक है और देखो वो लोग डैमो देख लें एप्लीकेशन पे डेमो अवेलेबल है आप लोगों ने भी अगर एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा होगा तो आपने डेमो देखे होंगे ठीक है सब कुछ वहां पे है ठीक है है तो डेमो है, पहले डेमो देखें फीस भी इतनी नहीं है कि बहुत ज्यादा हाई फाई फीस हो ठीक है चलिए गुड नाइट सभी को फिर मिलते हैं आप लोगों से कल मैं तो बस ये ठीक हो गई संख्या देख करके ना आज आपने सेवनटी क्रॉस कर पा दिया खुशबू में एकदम सारी थकान वकान सब चीज दूर हो गई ठीक है हाँ कल मैराथन मिलेगी अमृत कल मैराथन मिलेगी टीचिंग एप्टीट्यूड की दो बजे के आसपास टाइम बता रहा हूँ तो मुझे रिकॉर्डिंग भी करनी है 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 ना रिकॉर्डिंग भी करनी जेबीटी की तो पूरी प्रैक्टिस भरपूर करा दूंगा डोंट वरी ठीक है बिल्कुल डोंट वरी डोंट वरी मनोज जेबीटी की तो बहुत सफिशियंट टाइम है बहुत अच्छी तैयारी करवा दूंगा जेबीटी के लिए तो कोई दिक्कत है नहीं आईसीटी का कल मान लो तुम्हारा हंड्रेड सिलेबस खत्म है ठीक है 70 के आसपास आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का भी कंप्लीट पार्ट है अब देखो उसमें एक पोर्स है आ, टीचिंग पैडागोजी का तो मैं फिर से बता रहा हूँ टीचिंग पैडागोजी के लिए कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको टीचिंग पैडागोजी केवल आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करेगी टीचिंग पैडागोजी केवल आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करेगी एक बच्चा क्लास में आपसे बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है रिलीवेंट क्वेश्चन पूछ रहा है आप क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे ठीक है एक बच्चा आपका होमवर्क करके नहीं लेके आया आप क्या करोगे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो केवल आपकी थिंकिंग पे डिपेंड तो टीचिंग एप्टीट्यूड को इधर उधर कोई सर्च ना करे वो बस केवल कितनी भी प्रैक्टिस कर लो वो आपकी थिंकिंग वो डिपेंड करेगा ठीक है बाकी जो मेन मेन टॉपिक है उसको हमने कुछ तो कर लिया कुछ रह गया तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे ठीक है चलिए फिर अभी चलते हैं और कल मुलाकात होगी आप लोगों से ठीक है ना चलिए थैंक यू टाटा बाय बाय टेक केयर गुड नाइट